ओम अज्ञानति निरंदस्य ज्ञानांजना शलाकाया चक्षुरुं मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदापि स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं सागरजातं सहगना रघुनाथमितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादाम सहगना ललिता श्री विशाखामितमश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्प तरु वेश्या कृपा सिंधु वह वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बल ओबेसेंसेस टू ऑल प्रभुजीज एंड माताजीज। दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आई एम स्पीकिंग आफ्टर समथिंग ऑलमोस्ट लाइक 1 मंथ। 1 महीने तक मैं कुछ आप लोग के साथ में एसोसिएशन नहीं था मेरा, तो लेकिन आज जो है प्रभु, आई विल बी स्पीकिंग ऑफ माय गुरु महाराज राधानाथ स्वामी। आज जो है जीवी के अंदर गोवर्धन इको विलेज में शाम को अंदाज से 10,000 डिवोटीज आ रहे हैं वहां पे, और 10,000 डिवोटीज जो है सब महाराज का शाम को 4 बजे से उनका पहली बार 10 साल के बाद में पहली बार महाराज ने अलाउ किया है व्यास पूजा का। इट इज नॉट ए व्यास पूजा, रादर 4 से 5 के 1 घंटे में डिवोटीज जो है सब बड़े बड़े जो हमारे सब डिपार्टमेंट्स हैं उन लोग का जो मेन पर्सन है वो खाली ऑफरिंग देंगे, और फिर बाद में 3 घंटे का महाराज का क्लास रहने वाला है। सो 4 से 5 वो रहेगा और 5 से 8 बजे तक महाराज का क्लास रहेगा, और कीर्तन करके और प्रसाद के लिए जो है डिवोटीज ने वहां पे, ऐसा मैंने सुना है, रघुनाथ ने मुझे बताया कि 14 आइटम्स दे आर गोइंग टू प्रिपेयर जस्ट टू गिव यू अ वंडरफुल फीस्ट फॉर ऑल द डिवोटीज हु आर कमिंग टू फॉर फॉर महाराज आज के दिन। और 10 साल के बाद में पहली बार ये हो रहा है, तो संभव प्रभु जी, ये मेरा ये प्लास्टर के हिसाब से मैंने डिसाइड किया कि मैं वहां पे जाऊंगा तो वहां पे मैं सब डिवोटीज को खाली सब देखेंगे और मुझे पूछते रहेंगे, और मैं वही वही चीज बताते रहूंगा, तो मेरे को वो उसका आई विल नॉट बी एबल टू रिलिश इट आउट। सो मैं यहाँ पे बैठ करके ऑनलाइन सुनने वाला हूँ, बट आई वॉज रियली मिसिंग राधानाथ महाराज। तो मुझे हुआ कि मैं यहाँ पे कुछ बोल देता हूँ आप लोग के साथ में, और बेसिकली आई कैन टेल यू फ्रॉम माई हार्ट प्रभु, ये मेरा सेंस ग्रेटिफिकेशन रहेगा टू ग्लोरीफाई राधानाथ स्वामी। वॉट शुड आई से प्रभु जी, ऑल माई लाइफ इज एब्सोल्युटली ओनली ऑन डिपेंडेबल ऑन राधानाथ महाराज। मैं आई कुड नॉट इवन इमेजिन इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम ऑल्सो कि अगर महाराज अगर मेरी लाइफ में नहीं होते थे तो मैं किधर होता था, कंप्लीटली इन अ मैस हो जाता था मेरा लाइफ। सब ऐसे ऐसे लाइफ के अंदर कंसेप्शन था कि इट वुड हैव बीन अ बिग डिफिकल्टी इन माई लाइफ, ट्रेजेडी होता था मेरे लाइफ के अंदर। मैंने पहले से नक्की कर लिया था इस कॉन में आने के पहले, आई हैड अ गुड समहाउ स्पिरिचुअल कल्चर फ्रॉम माई चाइल्डहुड इटसेल्फ। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं जो है प्रभु इस कॉन में आने के पहले आई वॉन्टेड टू कंप्लीटली परमानेंटली सेटल माई सेल्फ इन अयोध्या। अयोध्या में मुझे रहने का था। उस समय अयोध्या ये सब राम जन्मभूमि का गड़बड़ बड़बड़ नहीं था। आई वॉज वेरी अटैच टू अयोध्या। आई वॉन्टेड टू परमानेंटली स्टे इन अयोध्या। फिर बाद में थोड़ा
कृष्णा कॉन्शियसनेस में थोड़ा बहुत देखा, हरि नाम लिया, ये किया, तो फिर बाद में नॉट इन इस्कॉन बट हमारे दो तीन डिवोटीज थे जो इस्कॉन में नहीं थे, लेकिन आई वॉज वेरी अटैच टू दैट डिवोटीज। मैं बहुत वृंदावन से अटैच हो गया था, और मैं जन्माष्टमी, फिर होली, फिर भाई दूज, दिवाली के बाद में जो आता है, आई वॉज ओनली स्टेइंग इन वृंदावन, मैं वृंदावन ही चला जाता था। तो ऐसा अटैच हो गया था वृंदावन में, प्रभु जी आई हैड ऑलरेडी डिसाइडेड इट एट द मैं 27 के आसपास आई स्टार्टेड अर्निंग मनी। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि एट द एज ऑफ 32 आई वॉज वेरी एक्सपर्ट इन अर्निंग मनी बाई कृष्णास मर्सी। मैं पैसे कमाने में बहुत होशियार था, उल्टा सीधा करके पैसा कमा लेता था मैं। तो मैंने लकी किया था, मैं किसी से पास से, वो मेरा हमारे बनिया है ना हम लोग प्रभु, हम लोग कभी किसी से हाथ लंबा नहीं कर सकते। तो मैंने डिसाइड किया था कि एट द एज ऑफ 32 मैं आई विल कंप्लीटली अर्न दैट मच मनी बाई विच आई कैन सर्वाइव फॉर द होल लाइफ टाइम, और फिर बाद में एट द एज ऑफ 32 आई विल कंप्लीटली स्टे इन वृंदावन फॉर द होल लाइफ टाइम प्रभु जी। और वो भी उधर भी मैंने ऐसा डिसाइड कर लिया था, मेरा पूरा टाइमिंग भी शेड्यूल भी नक्की कर लिया था, पूरा दिन में किस तरह से कैसे जीने का है, क्या क्या टाइमिंग होना चाहिए, मेरा टाइम टेबल सब पक्का हो गया था। बट आफ्टर कमिंग इन टच विद राधानाथ महाराज प्रभु जी, ही चेंज माई लाइफ, ही चेंज माई लाइफ। एंड आई आज के दिन मुझे मैं समझ में आ रहा है प्रभु, अगर ये व्यक्ति नहीं होता था तो कितना कितना बाहर से मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस का ढोंग करता था लेकिन अंदर से खोखला होता था, डेप्थ ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं होता था मेरे लाइफ। आज भी ऐसा नहीं है कि है, लेकिन रियलिटी समझ में आ रही है, एक्चुअल में रियलिटी कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या होना चाहिए। ऑल ग्लोरीज गोज टू राधानाथ स्वामी। बहुत चीजें लाइफ में प्रभु जी, हाँ आई एम एक्सट्रीमली सॉरी प्रभु जी, एक चीज है आज के दिन, बिकॉज इट इज माई गुरु महाराज बर्थडे, वैदिक कैलेंडर से मेरे ख्याल से कल है, कोई कल बोलता है कोई परसों बोलता है, और आज संडे होने की वजह से महाराज ने ऐसा डिसाइड किया कि सबको आज ही बुला लो जिसे सब डिवोटीज आ सके वाड़ा के अंदर, और इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 7th ऑफ दिसंबर है। तो प्रभु आई माइट, मैं आज जो है प्रभु जी थोड़ा बहुत आई बी जस्ट ग्लोरीफाइंग माई गुरु महाराज, बट प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, हमारे इस्कॉन के अंदर बहुत गुरुज है, जयपताका महाराज है, गोपाल कृष्ण महाराज है, राधा गोविंद महाराज है, मैनी गुरुज आते हैं, एंड एवरी गुरु इज अ यूनिक गुरु, हर एक गुरु का एक यूनिकनेस है। राधा गोविंद महाराज इस यूनिकनेस इज श्रीमद भागवतम, वो भागवतम से इतने अटैच्ड है, और जो भक्त को वो टेस्ट आया है दे हैव बीन कंप्लीटली गेटिंग कंप्लीटली सरेंडरिंग टू राधा गोविंद महाराज गोपाल, दिस इज व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड प्रभु। मुझे कुछ ये सब दूसरे लोगों का पता नहीं है तो, और जैसे उसी तरह से जो है गोपाल कृष्ण महाराज इज कंप्लीटली इन बुक डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रीचिंग, तो जो लोग को वो टेस्ट है दे गॉट सरेंडर टू हिम। एंड आई थिंक जयपताका महाराज इज नाम हट प्रीचिंग, वो सब चीज के अंदर जो है प्रभु उनका स्पेशलिटी है, उनका टेस्ट वहां पे है, तो जो लोग वहां से अट्रैक्टेड है दे वेंट एंड सरेंडर देमसेल्फ ओवर देयर। तो प्रभु वी हैव ए हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर ईच एंड एवरी गुरु ऑफ इस्कॉन, बट समहाउ टुडे इज द बर्थडे ऑफ राधानाथ महाराज, एंड आई बीइंग ए डिसाइपल ऑफ राधानाथ महाराज फॉर ऑलमोस्ट 35 ईयर्स, सो आज मेरे को एक थोड़ा लिबर्टी देना प्रभु आप, आई कैन ग्लोरीफाई माई गुरु महाराज। आई बेग फ्रॉम ईच एंड एवरी डिवोटी दैट प्लीज अलाउ मी, दैट डजेंट मीन दैट आई हैव एनी प्रॉब्लम्स विथ एनी ऑफ देम अदर गुरुज, आई हैव अ हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर एवरीबडी, पर प्रभु एक एक पत्नी होती है ना, उसका पति एक ही होता है, शी गिव्स रिस्पेक्ट टू एवरी अदर मेंबर्स ऑफ रिलेटिव्स ऑफ अवर हस्बैंड, बट उसका हस्बैंड तो एक ही रहता है, उसी हिसाब से फॉर मी राधानाथ महाराज इज माय हस्बैंड कहो जो कुछ भी कहो, कंप्लीटली सोल्ड आउट, कंप्लीटली आई एम कंप्लीटली डिपेंडेबल ऑन हिम। अभी जो है जिस तरह से मैं थोड़ा बहुत क्लास का प्रिपरेशन किया है वो ऐसा किया है प्रभु जी कि आई विल बी जस्ट टेलिंग इन द बिगिनिंग सम ऑफ द स्पेशल क्वालिटीज जो मैंने देखा है राधानाथ महाराज के अंदर विथ सम एग्जाम्पल्स ऑफ राधानाथ महाराज, 7-8 क्वालिटीज मैंने निकाली है,
सब स्पेशल स्पेशल क्वालिटीज है विथ सम एग्जाम्पल जो कुछ भी मैंने देखा है। सी प्रभु जी, दिस इज माई व्यू, आई एम सॉरी डिवोटीज माइट बी हैविंग सम डिफरेंट वेज, ये मैंने देखा है, जो कुछ भी मैंने अनुभव किया है, आई एम स्पीकिंग ऑन दैट सम सेवन एट क्वालिटीज, मेन मेन इंपॉर्टेंट क्वालिटीज जो मैंने देख और मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आया वो देखने के बाद में, फिर वो क्वालिटीज देखने के बाद, वो करने के डिस्कस करने के बाद में प्रभु, हाउ महाराज हैज चेंज माई लाइफ, हैज चेंज माई लाइफ, आई कड नॉट इवन वाइल्डेस्ट वे ड्रीम इन माई लाइफ दैट आई कैन बी इन दिस वे इन एंड आई कैन टेल यू राइट नाउ प्रभु, आई एम रियली रिलिशिंग माई स्पिरिचुअल लाइफ, आई एम रिलिशिंग, मुझे लग रहा है इससे बड़ा, इससे अच्छा दिन मेरे लाइफ में कुछ है ही नहीं, इतना आनंद है कृष्ण कॉन्सियसनेस के अंदर, एंड ऑल ग्लोरीज गोज टू राधानाथ स्वामी। इतना अच्छी तरह से बराबर मारपीट कर करके ऐसा ढांचा बना दिया, किस तरह से जीना है इस तरह से जीना है तुमको, और फाइनली टुडे मुझे हुआ था कि ये मैं बोलू क्या नहीं बोलू, बोलू क्या नहीं बोलू, बट आज जो है प्रभु जी आई फेल्ट इट कि आफ्टर 35 ईयर्स मैंने बहुत चीज जो है प्रभु जी एक्सेप्ट राधानाथ महाराज और एक दो दो चार दो तीन ब्रह्मचारी इसके सिवा आई हैव नॉट स्पोकन समथिंग वेरी सीरियस इंसिडेंट दैट हैज हैपेंड इन माय लाइफ एंड हाउ महाराज हैज टेकन केयर, आई हैव नॉट डिस्कस्ड इट, बट टुडे आई फेल्ट इट। अभी 35 साल हो गया, अभी कितने साल और कितने साल में अभी जीऊंगा पता नहीं है, लेट मी स्पीक इट आउट दैट ऑल्सो, दैट आई विल स्पीक इन द एंड एंड इफ यू फील इट कंफर्टेबल देन आई स्पीक, अदरवाइज आई नॉट स्पीक समथिंग विच आई हैव नेवर स्पोकन टू एनीबडी। तो प्रभु जी आई स्टार्ट द क्लास, आपको जो है पता होना चाहिए कि राधानाथ महाराज इज नॉट ए इंडियन बॉडी, ही इज अ यूएस बॉडी, इज कमिंग फ्रॉम ए जूस बैकग्राउंड, और ये यूएस बॉडी होने के बावजूद उनकी लाइफस्टाइल अगर आप देखोगे तो एक इंडियन साधु जो है जिस तरह से जीता है एग्जैक्टली उन्होंने इसी तरह से लाइफ जिया, और ऐसा नहीं है कि कोई कल्टीवेट किया, इट वॉज वेरी नेचुरल फॉर इट। देर आर मेनी थिंग्स इन माई लाइफ, आई थिंक आई शुड स्पीक समथिंग अबाउट माई बैकग्राउंड ऑल्सो। प्रभु मेरे घर जो है ना, माई माई फादर वॉज अ वेरी अटैच्ड पर्सन टू ऑल द साधुज इन इंडिया एंड वी हैड अ बिग हाउस इन जुहू इन मुंबई, सो देर वॉज हार्डली एनी साधु इन ऑल ओवर इंडिया हु वर नॉट कमिंग टू माई हाउस एंड स्टेइंग एट माई हाउस। मेरे घर पे ऐसे कोई भी साधु नहीं आया हो गए, इंक्लूडिंग सब शंकराचार्य से लेकर के सब एवरी साधु, वृंदावन के सब साधु जो है सब मेरे घर पे आकर के रहते थे, एंड आई वॉज द ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स, तो प्रभु दे यूज टू गिव मी सो मच लव केयर, एंड आई वॉज हैविंग सम स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन ऑल्सो, तो दे वर गिविंग मी सो मच लव केयर ऑन एवरीथिंग, येट प्रभु जी आई गॉट अट्रैक्टेड टू राधानाथ महाराज ए फॉरेन बॉडी एंड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स केम इन माई लाइफ, आई विल डिस्कस आफ्टरवर्ड्स इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, बट आई गॉट ऐसा मैग्नेट की तरह मेरे को खींच रहा था कि बस यही व्यक्ति होना चाहिए तुम्हारे लाइफ में, ऐसा अंदर से मैं जब भी मैं आई थिंक आई टेल यू अबाउट दैट ऑल्सो इन द बिगनिंग इट्स, व्हेन आई फर्स्ट मेट राधानाथ महाराज फर्स्ट टाइम तीरसामृत महाराज ये देवामृत प्रभु मेरे को लेके गए थे, मेरा क्लास के कॉलेज फ्रेंड है ना, वो तो मेरे को लेके गए थे, और मैंने जब उनको मिला और जैसा गौरव इंटरेक्शन हुआ प्रभु, उस दिन मेरे को रात को नींद ही नहीं आया, मैं रात को नींद ही नहीं सो ही नहीं पाया मैं, और फिर रोज पूरा दिन मेरे खाली अंदर से ऐसा ही आवाज आता था, यही व्यक्ति तुम्हारे लिए है, यही व्यक्ति तुम्हारे लिए है, तो ये क्या है, ये तो फॉरेन बॉडी है, मेरे घर पे इतने साधु लोग आ रहे हैं, ये सब ये कौन आदमी हो सकता है मेरे लाइफ में, मेरे को तो जमता नहीं, और आई वॉज कंप्लीटली रिवॉल्टिंग विद दैट थॉट, मेरे को जम ही रहा था, मेरे को ले सेंटिमेंटल है सेंटिमेंटल है, इस हिसाब से मैं खींचते जाता था, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया था, लेकिन अंदर से वो आवाज बढ़ते जाता था, अड़ते बढ़ते जाता था, लेकिन फिर देयर आर मेनी क्वालिटीज, फिर राधानाथ महाराज को मैं बहुत डीप गया हूँ प्रभु जी, मैंने मैंने उनको आई थिंक आई टोल्ड यू दैट ऑल्सो, एक बार तो महाराज ने मेरे को एक बार बोल दिया था
4 साल तक मैंने महाराज को जो है ना एक्सेप्ट नहीं किया था। भले ये थॉट्स आने के बावजूद मैं उनके साथ में रहता था, लेकिन आई डिडंट टुक इनिशिएशन, आई डिडंट एक्सेप्टेड हिम एज माय स्पिरिचुअल मास्टर। 4 या 5 साल, 4 साल आई थिंक, 4 साल तक मैंने सिर्फ महाराज को खाली पूछते ही रहता था, प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर। और जो मेरा पीछे का जो बैकग्राउंड था, इतने साधु लोग मेरे घर पे आते रहते थे, वो जो बोलते थे और ये जो बोलते थे उस पर कंपेरिजन करता था, ये बराबर बोल रहे हैं कि ये बराबर बोल रहे हैं। और फिर वो जो मेरे को थोड़ा अच्छा लगता था वो मैं मेरे लाइफ में इंप्लीमेंट करता था, और वो इंप्लीमेंट करने के बाद में उसका जो रिजल्ट आता था उसमें मेरा कन्विक्शन फिर स्ट्रांग होते जाता। प्रभु बहुत टाइम, फाइनली एक बार तो मैंने जब महाराज को बोला, महाराज आई वांटेड टू एक्सेप्ट यू एज माय स्पिरिचुअल मास्टर, तो महाराज इतने हंसने लगे। फिर बाद में उन्होंने बोला, आउट ऑफ द होल कॉन्ग्रीगेशन इन राधा गोपीनाथ टेम्पल, उस समय हमारा गोपीनाथ टेम्पल इतना बड़ा नहीं था प्रभु जी, 200-300 डिवोटी हो गए, तो आउट ऑफ होल गोपीनाथ टेम्पल सो मेनी डिवोटीज, यू आर द वन डिवोटी हु हैज डिस्टर्ब मी द मोस्ट, वहां तक महाराज ने बोल दिया था मुझे, मैंने सबसे तुमने तुमने मेरे को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब किया है, तो तुमने डिस्टर्ब किया। और फिर महाराज ने वहां तक मुझे बोला था, तुमने मुझे बहुत टेस्ट किया है, नाउ आई विल ऑल्सो टेस्ट यू, तुमने मुझे बहुत टेस्ट किया है, मैं तुमको टेस्ट करूंगा। तभी मैंने महाराज को बोल दिया था कि महाराज आई आई अग्री, मेरा कंडीशनिंग है। और महाराज ने मुझे बोला था कि आई कैन अंडरस्टैंड तुम कितने बैकग्राउंड से ऐसे जगह से आते थे कि यू वॉन्टेड टू गेट योर सेल्फ कन्विंस, तो इसके वजह से था। फिर महाराज ने मुझे बताया कि आई कैन अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई आई वाज अलाउइंग यू। तभी मैंने महाराज को बोल दिया था कि महाराज मैं कभी भी लाइफ लॉन्ग, कभी भी कैन टेक माई वर्ड्स, महाराज मैं कभी भी तुम्हारे पास से ऐसा नहीं बोलूंगा कि तुम मेरे को दीक्षा दो, आई विल नेवर आस्क, आई विल नेवर आस्क, इन माई हार्ट आई एम एक्सेप्टिंग यू एंड आई विल फॉलो यू नाउ। 4 साल मैंने रगड़ा रगड़ा करके तुमको टेस्ट मारा, तुम्हारे साथ टेस्ट किया है, अभी मैं आपको एक्सेप्ट करूंगा और मैं आपको फॉलो करूंगा, लेकिन कभी भी मैं मांगूंगा नहीं, पूरी लाइफ लॉन्ग मेरा अंदर से कनेक्शन आपके साथ में रहेगा, एक्सटर्नली तुमको जब भी ठीक लगे करना, और पूरे लाइफ अगर तुम मुझे दीक्षा नहीं भी दोगे तो भी आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू। महाराज बहुत हंसने लगे और फिर उन्होंने बोला, दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माय डिसाइपल। और फिर उन्होंने पहला ही दीक्षा आया तभी उन्होंने बोल दिया मुझे कि यू कम एंड सिट इन दैट इनिशिएशन। एनीवे ये सब बैकग्राउंड है प्रभु। सो नाउ आई विल स्पीक समथिंग वेरी वेरी सीरियस, सम सीरियस क्वालिटीज ऑफ राधानाथ स्वामी जो मुझे बहुत टच किया है, और जिसके वजह से मैं उनके उनके करीब ज्यादा ज्यादा आने लगा। पहला क्वालिटी महाराज का तो मुझे पहले से शुरुआत में अच्छा लगा, वो सीरियस एब्सोल्युटली सिंप्लिसिटी, महाराज का एकदम सिंप्लिसिटी, एकदम और एकदम नेचुरल है, ऐसा कुछ आर्टिफिशियल हम लोग का क्या है बेसिकली, मैं मेरा बता सकता हूँ, मैं सिंपल होने की कोशिश कर रहा हूँ, महाराज इज नेचुरली ए वेरी सिंपल पर्सन, नेचुरली सिंपल। आई हैड आई थिंक आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, वो पास्ट टाइम तो है मेरे को, मुझे पता था मैं महाराज के फिर अटैच होने लगा, फिर मंदिर में रहने लगा, तो मंदिर के ब्रह्मचारी ने मेरे को बोला कि राधानाथ महाराज आ रहे हैं तो तुम जो है स्लीपर लेके आना। आई स्टिल रिमेम्बर प्रभु जी, अभी मुझे क्या लगा वो स्लीपर जो है महाराज अपने बाथरूम जाने के लिए वो बापरे बापरे गए, तो वो स्लीपर ठीक है मैं लेके आ जाऊंगा। और आई स्टिल रिमेम्बर प्रभु जी, ये मेरा ख्याल से 32-33 साल पहले की बात है, स्टॉक एक्सचेंज में जाता था मैं, स्टॉक एक्सचेंज के वो फाउंटेन एरिया में प्रभु जी, वो जो बीच में बाकड़ा डाल करके स्लीपर्स बेचते हैं ना, उधर जा करके मैंने आई स्टिल रिमेम्बर 15 रुपये का स्लीपर लिया है मैंने, आई हैव बॉट स्लीपर्स फॉर द 15 रुपीज का वो स्लीपर मैंने लिया है, मुझे ऐसा लगता था बाथरूम में जाने के लिए रखा होगा ये, और वो 15 रुपये का स्लीपर जो है मैंने टेम्पल में मैनेजमेंट वाले जो जो महाराज की सेवा करते थे तो उनको दे दिया था, और मुझे मालूम था वो ब्लू रंग का स्लीपर है, मुझे अभी भी याद है वो ब्लू रंग का स्लीपर जो है वो महाराज को दिया गया, और महाराज ने वो ही स्लीपर, इट वाज नॉट मेंट फॉर बाथरूम, इट वाज मेंट फॉर हिम टू गो एवरीवेयर, और वही स्लीपर महाराज ने 6 महीना जब तक वो इंडिया में रहे किधर भी गए वो 6 महीना वो 15 रुपये का स्लीपर ही पहना है, और मैं देखता था ना प्रभु, वो मैंने ही स्लीपर दिया था, मुझे पता था। आई वॉज नोइंग इट, ये व्यक्ति क्या सिंपल लाइफ,
आई स्टिल रिमेम्बर प्रभु, शुरुआत के दिन के अंदर मैं महाराज को कंप्लीटली वॉच करता था। उनकी धोती जो थी ना, नीचे की जो धोती पहनते हैं, वो पीछे की साइड में, एकदम नीचे की साइड में फट गई थी। महाराज वॉज नॉट इवन थिंकिंग ऑफ इट के फटी हुई है। कितने समय तक उन्होंने वही धोती पहनी है, एकदम नीचे की साइड के अंदर जो है फटी हुई धोती पहनी हुई है। बिगेस्ट एक्ट मेरे को इन्फ्लुएंस हुआ था जब मैं महाराज के रूम में गया था। जब महाराज के रूम में मैं गया और महाराज के साथ में बातें करने गया, जस्ट टू गेट कन्विंस कि ये व्यक्ति क्या है क्या। तभी जब भी मैं उनके साथ में उनके रूम में बैठा था, तब उनके जो रूम था ना प्रभु जी, वो रूम अभी भी ऐसा ही थिंक ऐसा ही है। उनके ऊपर एक 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 बेड था, वो बेड के ऊपर तंबूरा, तंबूरा मालूम है ना, तंबूरा तंबूरा था उसके ऊपर। तो तंबूरा होने की वजह से मैंने महाराज को पूछा कि मुझे महाराज ये तंबूरा उधर क्यों रखा है, नीचे रखना चाहिए ना, आप सोते हो तो ऊपर फिर आपको तकलीफ होती होगी ना। तो महाराज ने मुझे बताया, मैं कभी भी गद्दी पे सोता नहीं हूँ, ऊपर नहीं सोता हूँ, मैं नीचे जमीन पे ही सोता हूँ। हिल गया आपने वो, ये क्या है बेसिकली, दिस आर नॉट इम्पोर्टेंट थिंग्स प्रभु जी। उससे कुछ भक्ति, उस ऐसा मत समझना कि शुद्ध भक्ति चाहिए तो यही होना चाहिए। बट हमारे जैसे लोग, शुरुआत में वाले लोग होते हैं ना, उसको ये सब चीज बहुत अच्छी लगती है। साधु को, साधु ऐसा अच्छा लगता है कि ऐसा साधु होना चाहिए ये सब। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि भाई ये होता है तो ही भक्ति मिलने वाली है, ऐसा नहीं। बट शुरुआत में मेरे को ये सब चीज बहुत इन्फ्लुएंस हुई थी। उन्होंने बोला कि मैं जो है मैं जमीन पे ही सोता हूँ, भारत ने कभी भी घड़ी पहनी नहीं है, इज नेवर वोन वॉच, प्योर साधु। कभी भी ना घड़ी पहनी नहीं है उन्होंने। बाद में जो है प्रभु, ये मैंने देखा है प्रभु जी। और एक इंसिडेंट तो मुझे बहुत अच्छा लगा था प्रभु जी, जब ये तो थोड़े समय के बाद की बात है, जब गोपीनाथ मंदिर के अंदर बहुत पॉपुलैरिटी होने लगी, और जितनी जितनी पॉपुलैरिटी होने लगी तो जितना जितना लक्ष्मी ये वो, तो बहुत पहले का गोपीनाथ और अभी का गोपीनाथ, आई थिंक जो पहले आया होता है ना और फिर चला जाता है, तो फिर अभी वो गोपीनाथ आएगा ना प्रभु, तो उसको समझ में ही नहीं आएगा कि मैं वही जगह पे आया हूँ। बहुत बहुत वो हो गया पॉपुलैरिटी की वजह से, और बहुत लक्ष्मी भी आने लगा था, डोनेशन भी आने लगा, तो हमने मंदिर बहुत बड़ा भी करवा दिया, दूसरी सब जगह भी ले लिया, और अच्छा ऑल्टर में और आजूबा टेम्पल हॉल भी बहुत ऑपुलेंट बनाया है, इटालियन मार्बल का वो दीवार बनाया हुआ है, वो भी स्पेसिफिकली महाराज ने इटली से मंगवाया था। पूरा एसी हॉल है प्रभु जी, हम लोग 1-2 हजार लोग जो बैठते हैं वो पूरे एसी में बैठते हैं महाराज का क्लास सुनने के लिए, बहुत ऑपुलेंस बढ़ाया। और महाराज आई टेल यू मेनी थिंग्स, बोलते जाओ ना प्रभु, आप लोग की परमिशन है ना विपुल, मैं बोलू क्या? नहीं यस प्रभु जी, आप बोलो तो, नहीं तो ये सब चीज थोड़ा ऐसा नहीं लगना चाहिए कि क्या एक ही व्यक्ति के पीछे बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु जी, वी ऑल ऑफ अस आर ईगर टू हेयर। ओके देन इट्स ओके, नहीं तो फिर ये तो फिर जो है प्रभु जी वो ऑपुलेंस और वो सब बढ़ गया, महाराज कुड अंडरस्टैंड इट कि ये ज्यादा हो गया है। महाराज ने बुलाया हमको और उन्होंने बोला दिस रियली टच्ड मी सो मच। उन्होंने बोला कि मंदिर का ऑपुलेंस बढ़ते जा रहा है, लेकिन वो गोपीनाथ के लिए है, लेकिन हमको जो है वो पक्का चेक करना है कि ये हमारा ऑपुलेंस नहीं है, ये गोपीनाथ का ऑपुलेंस है। और वो कॉन्सियसनेस कंप्लीटली मेंटेन करने के लिए हमको हमारी साधना, हमारी सर्विस एटीट्यूड, हमारा डिवोशन, वो सब चीज इतना बढ़ा देना चाहिए कि ये जो ऑपुलेंस आया है ना, वो ऑपुलेंस जो है हम उसको अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर सके। अगर ये हमने नहीं बढ़ाया तो यही ऑपुलेंस हमको कृष्ण कॉन्सियसनेस से दूर लेके जाएगा। और फिर महाराज ने बताया कि मैं मेरे से चालू करता हूं, आई स्टार्ट फ्रॉम माई सेल्फ। और उस समय उन्होंने बताया कि जो है अभी ना ही वॉज ऑलरेडी ए गुरु, सो मेनी डिसाइपल्स एंड एवरीथिंग वॉज देयर, अरे इट वॉज एट द पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई थी। महाराज ने बोला अभी से, अभी उनका बहुत हेल्थ इश्यू है महाराज को, आपको आपको पता नहीं होगा, बहुत हेल्थ इश्यू, उनका अस्थमा है, दूसरी सब चीज है, और इतना हेक्टिक लाइफ है तो उनका वो कुड नॉट टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ सो नाइसली। तो उनके लिए हम लोग ने वहां पे गोपीनाथ मंदिर में एक स्पेशल छोटा सा किचन बनाया था, तो उनका जो डाइट जो डॉक्टर्स बोलते हैं वो डाइट के मुताबिक उनको प्रसाद दिया जाता था।
जिससे जो है उनकी हेल्थ बराबर रहे। महाराज ने उस समय हमको बता दिया कि अभी से मेरे सब कपड़े जो है वो मेरे हाथ से मैं धोऊंगा, मेरे कोई भी ब्रह्मचारी या कोई भी मेरे सर्वेंट कोई भी धोएगा नहीं, ये मेरे हाथ से कपड़ा धोऊंगा। और प्रसाद जो है, जो नीचे जो सब सब लोगों के लिए जो बनाया है, जो भी बनाया है वही प्रसाद मैं खाऊंगा, मेरे लिए कोई स्पेशल नहीं चाहिए मुझे। इट शुड बी दैट वे ओनली। हम लोग सब सब डिवोटीज हिल गए कि बाप रे महाराज ये क्या कर रहे हैं, आपके हेल्थ ये, देखिए सब चीज चलेगा। फिर बाद में ये चलते गया ये चलते गया। फिर बाद में उनके पास जो है प्रभु जी, टाइम का ऐसा ही, प्रभु जी आपको आई डोंट नो वेदर आई टेल यू समथिंग, महाराज रात को दो दो तीन तीन बजे तक काउंसिलिंग चलता है उनका। कभी कभी तो ऐसी हालत होती है प्रभु जी उनकी कि रात को प्रोग्राम करके आते हैं और प्रोग्राम करते करते 11 साढ़े 11 बजे आते हैं और डिवोटीज आ जाते हैं। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन और वो सब लोग होते हैं वो रात के टाइम पे आते थे अपने ऑफिस का कमिटमेंट खत्म करके, और वो आकर के रात को महाराज के साथ में काउंसलिंग करने बैठते थे। और वो काउंसलिंग करते करते जो है रात को प्रभु 3 साढ़े 3 बजता था। मेरा के एक सबसे बिकॉज आई वॉज अस्थमा ना, मतलब मुझे एक अस्थमा में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था। एग्जैक्टली 2 बजे जो है ना, 2 बजे मुझे अस्थमा का अटैक होता था और मुझे खड़ा होना पड़ता था। आई हैव टू गो एंड पास वाटर और फिर वापस थोड़ी वो दवाई पंप लेना पड़ता था और फिर सोता था। तो मेरे को 1-1.5 घंटा, क्योंकि 4:30 बजे मंगल आरती, उस समय हमारी 5 बजे मंगल आरती होती थी, तो 5 बजे होती थी तो मैं 4 बजे उठता था। तो 2 से 2:30 से वापिस 4, 2:15 से 4, 1.5-2 घंटा मुझे नींद मिलती थी। लेकिन जब भी मैं 2 बजे जब भी बाथरूम जाता था और वो पंप लेने के लिए खड़ा होता था, तब मैं देखता था महाराज जो है ड्यूटी के साथ में वो काउंसलिंग कर रहे हैं। अभी ये सब होता था। फिर बाद में जो है कभी कभी मैं जो है प्रभु जी वो अस्थमा कंट्रोल में नहीं आता तो वापिस जाता था पंप लेने के लिए। तो कभी 3 साढ़े 3 बजे होता है वो सब लोग नहीं होते, फिर महाराज हारमोनियम लेके बैठते और भजन गाते रहते। और भजन गाने के बाद में जो है प्रभु वापिस मंगल आरती में आ जाते थे और फिर जो है सीधा वापिस भागवतम क्लास भी देते थे और फिर भागवतम क्लास खत्म हो जाने के बाद वापिस काउंसिलिंग चालू होती थी कहती इमेजिन प्रभु जी, और वो स्थिति के अंदर कपड़े धोते थे। तो फिर सब लोग ने बहुत प्रेशर दिया कि महाराज दिस इज टू मच, अभी आपको ये सब नहीं कर पाएगा। हम लोग ये सब तो अभी हमको सेवा करने थे कि मेरे को गोपी का कॉम्प्लेक्स बढ़ रहा है, फिर कोई तकलीफ ना हो जाना चाहिए बाद में सब लोगों ने बहुत प्रेशर देने के बाद में ने महाराज अलाउड, ठीक है कपड़े तुम धोने। फिर बाद में प्रसाद के लिए उनकी तबियत भी, अभी क्या होता है वो प्रसाद नीचे से आ जाता था, सब लोग के लिए जो प्रसाद बनाया वो उनकी थाली आ जाती थी। क्योंकि कभी कभी क्या होता था महाराज हैड डिसाइडेड कि मैं सब लोग के साथ में ही प्रसाद लूंगा, लेकिन कोई डिवोटी आ गया और वो इतना चलता था और एकदम सीरियस मैटर है तो उनको ऐसा नहीं बोलता था अभी छुप चलो बंद करो मैं प्रसाद लेके आता हूँ, ऐसा नहीं होता था। तो सब लोग उनके लिए वहां पे इंतजार करते थे, तो महाराज ने बोला कि मेरे लिए इधर लेके आना मैं ले लूंगा। अभी जो है प्रभु जी ऐसी स्थिति हो जाती थी, वो प्रसाद जो है कभी कभी शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक वैसे का वैसे ही रहता। महाराज कुड नॉट इवन टेक प्रसाद आल्सो। प्रभु ये सब देखा ना, ये मैं बनिया हूं ना प्रभु मैं बनिया आदमी हूँ प्रभु जी, ये सब देखा है ना तभी मुझे देखा कि नहीं ये आदमी मेरे लिए बराबर है तो वो जो है प्रभु ये देख दे। फिर महाराज वो प्रसाद फिर वही ले लेते थे। फिर उसमें भी महाराज के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने लगे क्योंकि उनके जो डाइट के मुताबिक पैसा नहीं मिलता था। फिर बाद में डिवोटीज वापस उनको रिक्वेस्ट करने गए कि प्रभु महाराज अभी हम आपके लिए कुकिंग करेंगे और खास करके जो है 2-3 अच्छे कुक है हमारे पास, अच्छे कुक पूरा इतना डिवोशन के साथ में बनाते हैं, वो ही कुक करेंगे प्रसाद और आपके डाइट जो आप डॉक्टर्स ने बोला है वो इसके उसके मुताबिक देगी और आप जब भी प्रसाद लेना चाहेंगे तभी हम आपको गरम दे दे पाएंगे। तभी फिर उनका हेल्थ इतना बिगड़ गया और डॉक्टर लोगों ने भी बोला कि ये सब गड़बड़ हो रहा है, देन ही अलाउड। बट ही वॉज वेरी क्लियर, कपड़ा भी मैं धोऊंगा और कुकिंग मेरे लिए स्पेशल नहीं होना चाहिए, जमीन पे सोऊंगा। मैंने हमने देखा है प्रभु जी हमारी अभी अभी सब बहुत शेड्यूल टाइट हो गया, और ना हम लोग यात्रा में भी जब भी जाते थे प्रभु तब यात्रा में भी जो है प्रभु महाराज हमारे साथ में ट्रेन में आ जाते थे और
और ट्रेन में हम कीर्तन करते। पुणे यात्रा तो हमेशा हम ट्रेन में ही गए और महाराज हमारे साथ में ही आए। हम लोग पूरे 2-3 बोगी ले लेते थे, पूरी बोगी बुक कर लेते थे और बोगी के अंदर कीर्तन करते करते पुणे जाते थे और पुणे से वापस बंबई भी कीर्तन करते करते आते थे। इवन दूसरी सब यात्रा में भी महाराज हमारे साथ में आते थे। अभी उनका शेड्यूल इतना टाइट हो गया है, सभी जो है हमारे साथ नहीं आते, वरना पहले हमारे साथ में ही आते थे। और फिर ट्रेन के अंदर भी हर एक डिवोटी के साथ में बातें करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, क्या लग रहा है, क्या यात्रा में कैसा लगा। आते वक्त तो हर एक डिवोटी को पूछेंगे कि यात्रा में से क्या अच्छा लगा, क्या सीख करके निकले हैं, क्या अभी क्या चेंज आएगा तुम्हारे लाइफ में। एवरीथिंग सो कंसर्न अबाउट इट, व्हाट आई मीन टू से, एब्सोल्यूट सिंप्लिसिटी, एब्सोल्यूट सिंप्लिसिटी। ये जो है ना, ये प्रभु जी, ये होने की वजह से जो है प्रभु जी, आई वॉज वेरी 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 अट्रैक्टेड टू राधानाथ सिंह। क्या है प्रभु जी, हम लोग का क्या है, अभी हम लोग जो है वो खास करके इंडियन बॉडी होती है ना, हम लोग को साधु को एकदम सिंपल ही देखना चाहते हैं। दैट इज नॉट द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज कॉन्सियसनेस। लेकिन हमारा वो कंसेप्शन वही है ना, दैट वॉज द रीजन वाई वी आई वॉज गेटिंग अट्रैक्टेड। जमीन पे सोने का, सिंपल कपड़े में रहने का, प्रसाद जो मिलेगा वो ले लेने का। आपको पता है महाराज गुफा में रहते थे, वहां पे हिमालय और सब जगह पे वो हमेशा कहते रहते हैं, मेरे को गुफा के अंदर, इट इज लाइक ए वंडरफुल हाउस, गुफा में रहते थे। उनका पास अगर आपने जर्नी होम अगर पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा क्या संघर्ष और कितनी ऑस्टेरिटी किया है। दैट गिव मी लॉट्स ऑफ इंस्पिरेशन। सेकेंड क्वालिटी ऑफ राधानाथ स्वामी, हार्ड कोर ह्यूमिलिटी, जेन्युइन ह्यूमिलिटी। ये मैंने बहुत बहुत, आई कैन टेल यू प्रभु जी, बहुत कम डिवोटीज में देखा है, जेन्युइन ह्यूमिलिटी। नाउ व्हाट इज द ह्यूमिलिटी जो राधानाथ महाराज ने मुझे बताया, द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमिलिटी हमारे जैसे लोगों के लिए, कृष्णा आई एम नथिंग, आई वॉज नथिंग, आई विल बी नथिंग, एंड यू आर एवरीथिंग। प्रभु जी महाराज हमेशा बोलते रहते, एक स्टेज आपका लाइफ में आना चाहिए कि तुमको एक समझ देना चाहिए, आई एम एब्सोल्युटली हेल्पलेस एंड होपलेस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। महाराज हमेशा कहते रहते हैं, ए व्हाट इज द साइन ऑफ ए जेन्युइन डिवोटी एंड एडवांस डिवोटी, द साइन ऑफ ए जेन्युइन एंड एडवांस डिवोटी इज, एक वो जेन्युइन और एडवांस डिवोटी के हृदय के अंदर एक कन्विक्शन आ जावे, आई एम फॉलन। कितने लोग जो है अपने अनर्थ से बाहर निकले, लस्ट अभी भी मार रहा है, कितना भी इतना हमने सालों के सालों भक्ति किया, अभी लस्ट का अटैक अभी भी गया नहीं है, ग्रीड अभी भी मार रहा है, ईगो अभी भी मार रहा है, कितना भी संघर्ष करते तो भी वो जा नहीं रहा है। और वो जो है जब समझ में आ जाता है, आई एम हेल्पलेस, आई एम होपलेस, और फिर वो जेन्युइन ह्यूमिलिटी आ जाती है। जेन्युइन ह्यूमिलिटी, हमको पता है मैं क्या हूं, गांव के सामने कितनी टोपी घुमाऊंगा, मैं सबको धोखा दे सकता हूँ, कृष्णा को धोखा नहीं दे सकता हूं। इसलिए आप जो है देखेंगे ना, महाराज राणा हमेशा पीछे रहते, ही डजंट वांट टू कम इन फ्रंट। मुझे अट्रैक्ट बहुत हो गया था वो। हर एक क्लास राधानाथ महाराज का, हर एक क्लास विल नॉट गेट ओवर टिल द टाइम ही डजंट से प्रणार अपि सुनिचे न का वर्ड्स, टू बी हम्बल देन अ ब्लेड ऑफ ग्रास, टू बी टॉलरेंट देन अ ट्री, टू रेडी टू ऑफर ऑल रिस्पेक्ट एंड नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, जेन्युइन ह्यूमिलिटी। और आई कैन, अभी अभी थोड़ा अक्कल आ रहा है मेरे को, मेरे को हमेशा ऐसा लगता है ये महाराज हमेशा प्रणार अपि सुनिचे न क्यों बोलते रहते, हमेशा क्लास खत्म नहीं होगा तब तक वो टेढ़ा रपी सुनी चंदा का वर्ष नहीं आएगा, या तो वो ह्यूमिलिटी नहीं आए दिखाएंगे। अब भी समझ में आ रहा है, अभी अभी थोड़ी थोड़ी अक्कल मेरे को आ रही है। बेसिकली क्या होता है मालूम है, हम कंडीशन सोल है ना प्रभु, हमारा कंडीशन सोल का एक सबसे बड़ा वीकनेस क्या होता है पता है प्रभु जी, हमको जब भी लाइफ में सक्सेस मिलता है ना, तो प्रभु हमको सक्सेस मिलने के बाद में प्रभु हमको ऐसा नहीं आता है, कृष्णा तुमने दिया है आपका है आप संभालना, मेरे को तो हरि नाम लेना है, वैष्णव की सेवा करना है, वो कॉन्शियसनेस नहीं आती है।
जब भी लाइफ में सक्सेस आता है ना, इमीडिएटली हमारे में प्राइड आ जाता है। और जैसा प्राइड आ जाता है प्रभु, प्रभु हमारा एक्शन हल गड़बड़, हम एक्शन गड़बड़ होते हैं ना प्रभु। प्राइड इज द फर्स्ट फर्स्ट स्टेप फॉर फॉलिंग डाउन। और जैसे प्राइड आने लगता है ना, प्राइड आया ना प्रभु, हम अपराध चालू कर देते हैं प्रभु। एक हम्बल डिवोटी कभी भी अपराध नहीं करेगा, और अगर हम्बल डिवोटी ने कुछ अपराध भी किया ना प्रभु, उसकी उसकी कॉन्शियसनेस इतनी अच्छी रहती है, वो डिवोटी के पास जाकर के माफी मांगेगा, पाँव छुएगा। और अगर वो डिवोटी उसको एक्सेप्ट नहीं भी किया तो भी प्रभु कृष्णा उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि उसके हृदय के अंदर क्लैरिटी है। ये चीज जो है ना प्रभु, और फिर वो अपराध चालू हो जाता है और फिर उसका पतन होने लगता है। यानी कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बावजूद, सेवा करने के बावजूद, वो कृष्णा कॉन्शियसनेस का ब्लिसफुलनेस निकाल ले नहीं पाते। एंड ऑल दिस इज हैपेंड बिकॉज ह्यूमिलिटी नहीं रही थी। भी समझ में आया प्रभु जी मुझे, ह्यूमिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। अभी प्रीचिंग मूवमेंट है प्रभु, हर एक व्यक्ति तुमको मिलेगा, और एक व्यक्ति तुमसे एडोरेशन, थोड़ा तुमको तुम्हारे की वजह से तुमको उनको जो है थोड़ा सक्सेस मिला या उनको कुछ एडवांसमेंट मिला, तो ही बिकम्स इंडेटेड, तो तुमको ग्लोरीफाई करेगा। और तुम अगर हवा में उड़ने लगे प्रभु, वो डिवोटी को कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, तुम्हारा गड़बड़ होने लगे। एंड दैट्स व्हाई पहले से ही एवरी स्टेप महाराज वाज सो क्लियर, ह्यूमिलिटी इज सो इंपॉर्टेंट। और आप पहले के क्लासेस में तो ऑलमोस्ट वो तो रेगुलर आता रहता था प्रभु, वो सनातन गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु का जो वार्तालाप होता था, वो वार्तालाप हुआ है ना उस समय जब सनातन गोस्वामी इतनी ह्यूमिलिटी दिखाते थे महाप्रभु को, कि मैं इतना फॉलन हूँ, के आमी, मैं कौन हूं मुझे पता नहीं है, लोग मुझे बहुत बड़ा बड़ा आदमी कहते हैं लेकिन मैं कौन हूं मुझे पता नहीं है। ये चार, ये ताप इतने जो है वो इतने आदि भौतिक आदि दैविक आदि आदि भौतिक, ये सब जो ताप है वो मुझे क्यों हैरान कर रहे हैं। मेरे को मरना नहीं है तो भी मरना पड़ने वाला है, मुझे बीमारी नीचे है तो भी बीमारी आ रही है, मुझे बूढ़ा नहीं होना है तो भी बूढ़ा होना पड़ रहा है, ये सब का कोई कारण तो मिला नहीं है लेकिन लोग मुझे बहुत बड़ा बड़ा कहते हैं। और मैं समझता हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं ऐसा हूं, जो मालूम नहीं है मैं कौन हूं, इतना जुन्यून ह्यूमिलिटी बताते ना। तब सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने बोला है, स्टॉप सनातन, योर ह्यूमिलिटी इज ब्रेकिंग माई हार्ट, आपका दीनता मुझे जो हिला देती है सनातन। राधानाथ महाराज हमेशा कहते थे, उनकी उनको जो है ब्रेकिंग द हार्ट नहीं था, उनको बहुत अंदर से संतुष्टि होती थी कि ये डिवोटी अपना हाईएस्ट स्टैंडर्ड पे पहुंच रहा है, इसको समझ में आ गया है कि ये भौतिक दुनिया का नेचर क्या है। और फिर महाप्रभु ने एक वाक्य लिखा है, बोला है, जो चैतन्य चरितामृत के अंदर बहुत सुंदर कृष्णनाथ कविराज गोस्वामी ने बराबर इसे ट्रांसलेशन किया है, और राधानाथ महाराज गिव सो मच एम्फेसिस ऑन दैट सेंटेंस। और वो बोलते हैं, महाप्रभु बोलते हैं सनातन गोस्वामी को, स्टॉप सनातन, योर ह्यूमिलिटी इज ब्रेकिंग माई हार्ट। फिर बाद में जो है महाप्रभु ने बोला है, इट इज ह्यूमिलिटी अलोन एंड नथिंग एल्स दैट कैन कॉन्कर द हार्ट ऑफ द लॉर्ड। और ये महाराज हमेशा रिपीट करते रहते प्रभु जी। फाइनली तो जो है ना प्रभु, हमको जो भी मिला है वो कृष्णा की कृपा से मिला है, सब चीज चला जाने वाला है, लेकिन ये चीज जो है प्रभु जी जल्दी आता नहीं है लाइफ में। इसलिए कृष्ण कविराज गोस्वामी जो है, आप अगर आप पढ़े होंगे तो जो है वो बोलते हैं, वो तिड़ानपि सुनिचे ना, जो है ना जो वर्स है ना वो जो है, इट्स द, आपको लोग माता जी लोग क्या बोलते हैं, वो क्या बोल पहनते हैं, वो मंगल क्या बोलते हैं, वो माला पहनते हैं ना, माला पहनते तो वो पेंडल बोलते हैं ना, पेंडल बीच में क्या होता है वो एकदम अट्रैक्टिव, उसको पेंडल बोला जाता है ना। ठीक है, तिड़ानपि सुनिचे ना में जो वर्स है ना, दैट इज द पेंडल ऑफ अवर डिवोशनल लाइफ। दूसरी सब सेवा है, वो सब चीज अच्छी लगेगी, लेकिन पेंडल जो है ना प्रभु जी, वो जो है सबसे अट्रैक्टेड होता है, और उसके वजह से वो हार अच्छा लगता है, वो माला अच्छी लगती है। प्रभु जी आप देखना प्रभु, ये मेरा कन्विक्शन आ गया है, जो भी डिवोटी जो है कितनी भी सक्सेस लाएगा ना, लोग उसको ग्लोरीफाई करेंगे, लेकिन जो डिवोटी सक्सेस लाने के बाद में भी वो ह्यूमिलिटी मेंटेन करेगा ना, वो ट्रेमेंडस अट्रैक्टेड हो जाएगा, डिवोटी उसको छोड़ ही नहीं सकता। ह्यूमिलिटी एक एक चीज है ना प्रभु जी, एक मास्टर की, और जूनियर ह्यूमिलिटी, यार चीटिंग बाजी नहीं है, आई एम योर सर्वेंट, आई एम द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, ये वो बातें करने में तो हम बहुत होशियार है, बट प्रभु जूनियर ह्यूमिलिटी,
अंदर से समझ में आया, आई एम नथिंग यार, क्या है यार। कभी भी लस्ट का अटैक मारता है, कभी भी ग्रीड का अटैक मारता है, कभी भी मैं फूल बात बड़ी बड़ी करता हूँ, लेकिन अंदर से तो मालूम है कृष्णा को क्या है मेरे अंदर। और जिन ह्यूमिलिटी के साथ में हम अगर जाते प्रभु, एवरीबडी गट्स अट्रैक्टेड, एवरीबडी गट्स अट्रैक्टेड। राधानाथ महाराज के पास से जिन्यून ह्यूमिलिटी आप देखोगे, छोटा सा छोटा भी आदमी आएगा ना, उसको हक करेंगे, उसको ग्लोरीफाई करेंगे, उसको है ना एक्नोलेजमेंट देंगे। ये इसके वजह से क्या होता है प्रभु जी, एवरीबडी फील सेट, महाराज हवा में नहीं है, एवरीबडी। अरे वहां तक होता है उनकी ह्यूमिलिटी, वहां तक होती है। जो भी घर कोई भी गोपीनाथ मंदिर में कोई ब्रजवासी या कोई भी आता है ना प्रभु जी, दे डोंट नो बॉम्बे, मुंबई उनको पता नहीं है क्या है होता है, ब्रजवासी है, पूरी जिंदगी ब्रज धाम में ही रहे हैं, वो बम्बई आए गए और महाराज को मिलने आते, तो महाराज उनको बोलते कि गोपीनाथ मंदिर में रहो, रात को उनको रखने के बाद में रात को 1 बजे उठेंगे महाराज, रात को 1 बजे उठने के बाद में सबको ढूंढेंगे, वो सब हमारे मैनेजमेंट वाले लोगों, और वो लोग को रात को उठाएंगे। महाराज बोला महाराज रात को उठाए, उसको वो एकोमोडेशन दिया कि नहीं वो ब्रजवासी को, तो कहा हाँ महाराज, उसको सो भी गए, क्योंकि मेरे को टेंशन आ गया है कि वो सुबह में जो है ना अपना सा वेस्टर्न टॉयलेट से, और वो जो है वेस्टर्न टॉयलेट में वो उसने उसको टॉयलेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ही हैज नॉट बीन, वो ऐसा ही वो अपना इंडियन स्टाइल से वो टॉयलेट कर सकता है, उसने ऐसा देखा ही नहीं है, तो मुझे टेंशन आ रहा है कि सुबह के टाइम पे वो उनको टॉयलेट में प्रॉब्लम हो सकता है, तुम कुछ एडजस्टमेंट किया कि नहीं उसके लिए। डिवोटी बोलते हैं बाप रे 2 बजे महाराज, आपको 2 बजे। प्रभु जी ये सब चीज मुझे बहुत अट्रैक्टेड हो गया था मेरे लाइफ में, मुझे बहुत अट्रैक्ट हो जाता था ये सब चीज के महाराज, फिर के नहीं, तो तुम उसको उठाओ, उठा करके फिर के वो रूम में है कि नहीं, वेस्टर्न टाइप है कि वो है इंडियन टाइल है। उसने बोला हमारा गेस्ट डिपार्टमेंट वाला बोला महाराज वो वेस्टर्न है, उसको चेंज करो, रात को 2 बजे उठा करके रूम चेंज करवाते। प्रभु दिस इज कृष्णा कॉन्सियसनेस, दिस इज कृष्णा कॉन्सियसनेस, व्यक्ति को जो है प्रभु जी ऐसा हिलाता है, रात को हमारा सोएगा नहीं, लेकिन वो बराबर डिवोटी बराबर बराबर होना चाहिए, ह्यूमिलिटी सर्विंग, दिस वॉज द सेकंड पॉइंट ह्यूमिलिटी। थर्ड पॉइंट जो महाराज का मुझे बहुत अच्छा लगा, महाराज हैज नेवर कॉम्प्रोमाइज, नेवर नेवर बराबर फोकस करके रखते थे वे, अभी भी वही है, प्योर डिवोशनल सर्विस। महाराज ने कहां पर भी उसको उसको लाइक नहीं किया है, गोल ऑफ लाइफ इज प्योर डिवोशनल सर्विस, नथिंग एल्स, इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर इन अवर लाइफ, प्योर डिवोशनल सर्विस शुड बी द गोल ऑफ लाइफ। और महाराज जो है बहुत क्लियर थे, आप है ना शुरुआत के लेक्चर्स में था प्रभु जी, महाराज वॉज नॉट सो फेमस ना, वो अगर 1988 से लेकर के 1994-95 तक का आप लेक्चर सुनोगे ना, दोज आर वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर्स ऑफ राधानाथ स्वामी, आई कैन थिंक, हार्ड कोर फिलोसॉफी, हार्ड कोर, कभी भी कुछ भी गुड़ी गुड़ी कुछ बात नहीं किया है। अभी क्या है बहुत बड़ा हो गया ना महाराज, बहुत पॉपुलर हो गया, तो अभी सबको संभालने के लिए इतनी जल्दी डीप फिलोसॉफी नहीं बोलते जल्दी, लेकिन एक चीज बहुत मैंने महाराज का चेक किया है, उन्होंने कहां पर भी प्योर डिवोशनल सर्विस पे कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविता मा जगदीश कामय, वहां पे कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। कृष्णा कॉन्सियसनेस मीन्स अनमोटिवेटेड अनइंटरप्टेड डिवोशनल सर्विस, ठीक है तुमको अपलिफ्ट करने के लिए हम ये करवाएंगे वो कराएंगे, लेकिन गोल तो लाइफ का यही है। और गौड़ीय संप्रदाय प्रभु जी इज गिविंग कंप्लीट फोकस ओनली ऑन प्योर डिवोशनल सर्विस, कंप्लीटली फोकस ओनली ऑन क्या, एक पंखा एक एक के ऊपर, गौड़ीय संप्रदाय इज ओनली फोकसिंग ओनली ऑन प्योर डिवोशनल सर्विस, नथिंग एल्स, और श्रीमद् भागवतम गिव्स ओनली एम्फेसिस ओनली ऑन प्योर डिवोशनल सर्विस। महाराज वाज वेरी क्लियर अबाउट इट एंड ही विल नेवर कॉम्प्रोमाइज, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। असली सेवा पादतम पिनश्य माम, दैट वाज द फाइनल टच ऑफ राधानाथ महाराज, कृष्णा आप मुझे आलिंगन दो या आप मुझे ठुकरा दो,
मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। एक बार मुझे याद है प्रभु जी, जब रासलीला का पास टाइम चल रहा था, तब मैंने राधानाथ महाराज, ये मुझे बहुत टच हो गया प्रभु जी। रासलीला का पास टाइम चल रहा था, आई थिंक शरद पूर्णिमा और समथिंग मॉर्निंग भागवतम क्लास था, और उस समय मैंने महाराज को पूछा कि ये गोपिया ने महाराज इतना सरेंडर किया, इतना सरेंडर कर लिया, फिर भी कृष्णा भाग गए उनके पास से, ये तो इनजस्टिस है, ये तो बराबर नहीं है। कृष्णा को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि ऐसा भाग नहीं जाना चाहिए, दिस इज नॉट प्रॉपर। ये मैंने महाराज को समाओ प्रभु जी, मैं है ना, क्या था मेरा, मैंने मेरे लाइफ में ना एक नक्की किया था, भले मेरा गुरु है लेकिन मेरे को कभी भी कुछ भी मेरे मेरे गुरु के सामने नंगा होकर के खड़ा रहूंगा मैं, एज फार एज माई कॉन्सियसनेस इज कंसर्न। मैं जो भी है मैं बोल दूंगा उनके साथ, मुझे गुड़ी गुड़ी नहीं रहने का, यही मेरे व्यक्ति मेरे को भगवत धाम लेके जाने वाला है, इसके सामने मैं गुड़ी गुड़ी नहीं रहना चाहता हूँ। तो मैंने जो है ना प्रभु राधानाथ महाराज को बोल दिया कि ये बराबर नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। महाराज ने बोला, तुमको क्या भक्ति मालूम है क्या? तो बोला, नहीं है तभी तो इधर तो अभी महाराज ने मुझे एक वाक्य बोला था, इतना सरेंडर करने के बाद में भी कृष्णा वॉन्टेड टू इन्फॉर्म देम दैट आई वॉन्ट समथिंग मोर। इतना करने के बाद में, इतना छोड़ने के बाद में भी कृष्णा बोल रहे हैं आई वॉन्ट समथिंग मोर। ऐसा मत समझना ये देने के बाद में तुम मुझे खरीद सकते हो, यू कैन नॉट परचेज मी बाई इवन डूइंग दिस सरेंडर ऑल्सो। इसलिए कृष्णा ने ये पास टाइम रचा है। नो डाउट कृष्णा ने ऐसा बोला है बाद में कि मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हारा प्रेम के सामने रेसिप्रोकेट करने के लिए, और फिर बाद में पूरी नाइट जो उन्होंने रासलीला उनके साथ में रची है, यानी खेले है उनके साथ में, लेकिन कृष्णा ने पहले बता दिया है कि डोंट थिंक दैट यू कैन परचेज मी बाय डूइंग दिस सरेंडर। और फिर महाराज ने वो वाक्य बोला चैतन्य महाप्रभु का, फाइनल वर्स ऑफ महाप्रभु शिष्टाष्टकम का, अश्लिष्य वापारदत्तम पिनाश्यो माम अदर्श नमो मार्म हतो करो तो वा यथा तथा वा विधा तो लंपटो मत प्राण नास्तस्तु तेरे नाम पर। कृष्णा आप मुझे आलिंगन दो या आप मुझे ठुकरा दो, आप मेरे स्वामी हो, आप कुछ भी मेरे साथ में कर सकते हो, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी। दिस इज वॉट इज प्योर डिवोशनल सर्विस। प्रभु गौड़िया ये देना चाहता है, अभी मैं हिल गया। दिस इज वॉट इज प्योर डिवोशनल सर्विस। कुछ भी करो मैं कृष्णा, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। तो दिस इज वॉट इज राधानाथ स्वामी, प्योर डिवोशनल सर्विस इज द फोकस्ड, एब्सोल्युटली नो कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, अभी एकदम वो स्टैंडर्ड पे आने में तकलीफ होने वाला है, वो इतना जल्दी थोड़ी मिलता है। भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर रूप गोस्वामी ने कहा है, 1 लाख भक्त, 1 लाख डिवोटी बनते हैं, उसमें से एक व्यक्ति शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि शुद्ध भक्ति छोड़ देने का, गोल तो हमारा वही है। असली सेवा पादतम पिनाशम, कृष्णा कुछ भी करो मुझे तुम ही चाहिए, तुम ही चाहिए। हाँ मैं, मेरी औकात नहीं है ये सब। रुक्मिणी ने आपको पता है ना, वो पास्टर भी इतना सुंदर है, जब रुक्मिणी को जो है प्रभु जी, जब कृष्ण आए नहीं उनको लेने के लिए, तब कृष्ण वो खत लिखा था ना, तब खत के अंदर रुक्मिणी ने भी वो शुद्ध भक्ति का हाईएस्ट स्टैंडर्ड बता दिया था कि कृष्णा मैं तुम्हारे लिए लायक नहीं हूं, मैं कहाँ हूं और आप कहाँ हो, लेकिन बराबर है, लेकिन मुझे भी समझ में आ गया कि पति तो तुम ही मेरा होना चाहिए। ठीक है, अगर आप मुझे स्वीकार नहीं करोगे तो पूरे जीवन पर्यंत ऑस्टेरिटी करूंगी, पेनेंसेस करूंगी, और मेरी लाइफ को, मेरी बॉडी को पूरा शिथिल कर दूंगी और मैं देह छोड़ दूंगी, तो क्योंकि मैंने तुम्हारा ही विचार किया है, मैं तुम्हारी भक्ति किया है, तो मुझे वापस जन्म मानव देह का ही मिलेगा। ऐसा अगर जैसा मानव देह का जन्म मिला तो वापस तपस्या करूंगी, वापस पूरी जिंदगी इसी तरह से निकालूंगी, एंड लेट इट बी फॉर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बर्थ, बट कृष्णा यू कैन बी ओनली माई हस्बैंड, नोबडी एल्स इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। प्रभु वो खत के बाद में कृष्णा ने डिसाइड किया कि नहीं, ये इज द राइट कैंडिडेट, दिस इज शुद्ध भक्ति प्रभु, दिस इज प्योर डिवोशनल सर्विस। प्रभु हमारा ये सब है ना, मेरे को तो कभी कभी लगता है बाप रे क्या है अपना स्टैंडर्ड यार, एक चीज बराबर नहीं हुआ तो कृष्णा को कंप्लेन करने लगते, कृष्णा क्यों ऐसा किया यार। आई कैन टेल यू प्रभु, ये फ्रैक्चर आ गया ना मेरे को,
मैं बोलो मेरे को ये मैंने क्या गड़बड़ किया यार, 1.5 महीना फील्डिंग भरने का तब, और यहाँ पे मालूम गिरता है बाप रे, दिस इज व्हाट इज कृष्णा कॉन्सियसनेस। कैसा भी करो कृष्णा, आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू, दिस इज द थर्ड क्वालिटी ऑफ महाराज, योर डिवोशनल सर्विस। फोर्थ बोलते जाऊंगा, कितना है टाइम, कितना है, अरे बाप रे विपुल किधर है भाई, बोलते यस जाऊंगा प्रोजी, नहीं आई हैव टू बैट, बहुत चीज बोलना था मुझे। चौथा पॉइंट, प्रभु आई कैन स्पीक ना प्रभु, इट इज ऑलरेडी 50 मिनट्स हो गया है, बोलो ना आप लोग को टाइम है ना कि नहीं है ना, तो मैं यस वाइंड अप प्रोजी, जल्दी वी हैव करता ऑल द हूं। टाइम. अच्छा ठीक है चलो बोलते जाओ। फोर्थ पॉइंट, महाराज का एक बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत पक्का फिलॉसफी है, और ये प्रिंसिपल की वजह से राधा गोपीनाथ टेम्पल हैज बिकम वेरी सक्सेसफुल, एंड दैट प्रिंसिपल इज, महाराज ने सबको, जो भी राधा गोपीनाथ मंदिर में आते हैं उसको सबको कन्विंस कर दिया है, सर्विंग वैष्णवा इज मोर इंपॉर्टेंट देन सर्विंग कृष्णा, ये सबके ऐसा हम लोग को फिट कर दिया है ना प्रभु जी, ऐसा लग रहा स्क्रू टाइट करके भी ऐसा, और उसमें भी ऐसा टाइट कर दिया कि वो खुले ही नहीं वो हिसाब से करके रखा, सर्विंग वैष्णवा इज मोर इंपॉर्टेंट देन सर्विंग कृष्णा, और वो अपने अपनी लाइफ से भी उन्होंने भी बताया प्रभु जी, जो भी अभी इतना, अभी आज के दिन ही बात करता हूँ, आगे भी 10,000 लोग जो है जीवनी में आने वाले, प्रभु वो 10,000 लोगों का अरेंजमेंट करना वो सब ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्टर ये वो सब चीज कर सकता है, लेकिन 10,000 लोगों के लिए 14 आइटम्स बनाना, तो अब डिवोटी बनाने वाला है 10,000 लोगों के लिए, नॉट ए जोक है प्रभु जी, इट्स नॉट ए जोक। हमारी अभी यात्रा जगन्नाथपुरी हुई, जगन्नाथपुरी यात्रा के अंदर 10,000 लोग थे, 10,000 लोगों के लिए प्रभु ऑल कुकिंग, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून लंच, और इवनिंग में जिसको डिनर चाहिए उसको डिनर भी देते थे, सब थिंग वॉज बीन कुक्ड बाय अवर डिवोटीज, इंक्लूडिंग रोटीज, रोटी जो भी है ना, रोटी भी जो है सब लोग को सुबह में रोटी, दोपहर में हमको रोटी दिया जाता था, मेरे ख्याल से मैंने पूछा गौरांग प्रभु और सब लोग को कि भाई कितनी रोटी बनाते हो, 20 से 25 हजार, 25 से 30 हजार ऐसा कुछ रोटी बनाते थे प्रभु, 200 माता जी लोग जो है, सब डिवोटी माता जी, सब यात्रा में आई है, वो सब रोटी रोल कर रही है, और सबको जो है चार चार गैस का एक चूल्हा दिया था, और वो लोग सब लोग जो है रोज 25 से 30 हजार रोटियां बना रहे थे, इट्स नॉट ए जोक प्रभु, मैंने देखा, मैं जाकर के आया किचन देख करके, और उधर भी 10 से 12 आइटम रोज देते थे वो लोग, हाउ इट वॉज पॉसिबल, सर्विंग वैष्णवा इज मोर इंपॉर्टेंट देन सर्विंग कृष्णा, ये कंसेप्शन ऐसा फिट कर दिया है ना प्रभु जी, ऐसा फिट कर दिया है प्रभु, मैंने खुद ने देखा है प्रभु, डिवोटीज के लिए क्या क्या दूसरे डिवोटी करते हैं बाप रे, ऐसा क्योंकि वो महाराज ने बता दिया है ना कि भाई सर्विंग वैष्णव इज मोर इम्पोर्टेंट, आई स्टिल आई विल नेवर फॉरगेट दिस इंसिडेंट प्रभु, हमारे बलदेव प्रभु ब्रह्मचारी है, उसके पिताजी वो भी डिवोटी है, सिंसियर वो भी अच्छे डिवोटी है, उसका फादर मदर दोनों डिवोटी है, बलदेव प्रभु ब्रह्मचारी, अभी बलदेव प्रभु के पिताजी को हार्ट अटैक आ गया, और वो हार्ट अटैक आ जाने के बाद में प्रभु उनको बलदेव प्रभु के पिताजी को बोला कि बाईपास करना पड़ेगा उनका हार्ट का, और वो बाईपास करने में आई डोंट नो, मैं तो मेडिकल वाला आदमी नहीं हूं, लेकिन बाईपास करने में प्रभु जी लॉट्स ऑफ ब्लड देना पड़ता है, वो ब्लड बहुत लगता है उसके लिए, अभी बलदेव प्रभु का क्या था प्रभु जी, उसके पिताजी का कोई ब्लड ग्रुप ऐसा था कि वो ब्लड ग्रुप का ब्लड नहीं मिल रहा था किधर भी, वेरी रेयर वेरी रेयर, हाँ कृष्ण क्षेत्र दास बराबर है, तो ये जो है प्रभु उनको ब्लड ग्रुप मिल ही नहीं रहा था वो, और वो भी इतनी क्वांटिटी में प्रभु जी नहीं मिल रहा था, वो पूरा ब्लड बैंक पूरे बंबई में नहीं मिल रहा उतना, इतनी क्वांटिटी नहीं मिल रही थी, और उसके वजह से उनका बाईपास अटक जाएगा प्रभु जी, जैसा महाराज को समझ में आया था कि बोला अपना ग्रुप के अंदर डाल दो, जिसको जो है उसके पास वो ब्लड ग्रुप का जो होगा वो
जिसको ब्लड देना है वो आ जाएंगे। प्रभु जी वो लोग ने जैसा मंदिर में वो ग्रुप में डाल दिया और बोला कि ये टाइम पे जो है ये ब्लड बैंक में आने का देने के लिए। प्रभु जी आई वॉज शॉक टू सी एंड आई हर्ड, मेरे पास तो वो ब्लड ग्रुप नहीं था प्रभु, लेकिन जो है वो ब्लड ग्रुप की वजह से पूरी लाइन लग गई डिवोटी की, पूरी लाइन लगी है वो ब्लड ग्रुप का ब्लड देने के लिए। वो जो है वहां का ब्लड ग्रुप का जो मैनेजर, ब्लड बैंक का जो मैनेजर है, वो कि कौन है ये सेलिब्रिटी भाई, ये सेलिब्रिटी कौन है यहाँ पे कि जो इतनी बड़ी लाइन लगी है इसको, ये और ये ब्लड ग्रुप दिस ऑल बिकॉज ऑफ वन रीजन, सर्विंग वैष्णवाज आर मोर इंपॉर्टेंट देन सर्विंग कृष्णा। और अभी इससे क्या फर्क पड़ता है वो भी मैंने देखा है। प्रभु जब बलदेव प्रभु के पिताजी जो है ना फिर बराबर हो गया, उनका बाईपास हो गया, वही ब्लड ग्रुप डिवोटी का ब्लड से मिल गया उनको। अभी बाद में जो है ना प्रभु वो राधानाथ महाराज को मिलना है, राधानाथ महाराज को बताया फिर देखो ये हुआ था और ये आपका ब्लड ग्रुप नहीं, इसी तरह से सब डिवोटी ने ब्लड दिया और इसके वजह से ये हो गया। वो डिवोटी जो है आज के दिन इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ये एज के अंदर इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, वो खाली बुक ही सब जगह पे जाएगा तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता रहता है। लेकिन उसने सबसे पहला महाराज को क्या बताया, महाराज मुझे कृष्णा कॉन्शियसनेस फिलोसॉफी क्या है मालूम नहीं है, मुझे कृष्णा कॉन्शियसनेस में क्या होता है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एक चीज मुझे मालूम है डिवोटी मेरे को प्रेम करता है इसलिए मुझे भक्ति में रहने का है। ऐसे डिवोटी मुझे कहाँ मिलने वाला है, इतना प्रेममय आदान प्रदान कहाँ मिलता है, इसलिए मुझे यहां पर रहने का है। प्रभु ये शुरुआत के अंदर कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जब कृष्णा कॉन्शियसनेस की फिलॉसफी आपको समझ में आते आती है, टेस्ट आने लगता है हियरिंग चैंटिंग के अंदर, आप कृष्णा का शेल्टर लेने लगते हो, तब आपको हायर टेस्ट मिल जाता है, तभी ये इतने बड़ी इंपॉर्टेंट। ऐसा ही इसका ये मतलब नहीं रहने वाला है, लेकिन यू हैव गॉट सम अनदर हैवी टेस्ट, हायर टेस्ट, बट फॉर अ बिगनिंग लव ऑफ डिवोटीज इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। देन ओनली प्रभु जी एवरीबडी वॉन्ट्स टू थिंग्स, ये राधानाथ महाराज का इतना इंपॉर्टेंट वर्स है, एवरी पर्सन वॉन्ट्स टू थिंग्स, ही वॉन्ट्स लव एंड ही वॉन्ट्स टू बी लव्ड, ही वॉन्ट्स टू बी लव्ड एंड ही वॉन्ट्स टू लव समबडी जिन्यून वे, नो एक्सप्लेटेशन। ये दो चीज अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो प्रेम उसको चाहिए और दूसरे को प्रेम कर सके, वो अगर जो है वो एटमोस्फियर बन जाता है ना, वो व्यक्ति जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर एंट्री उसके बहुत फर्स्ट क्लास हो जाती है। और फिर उसको हम कृष्णा कॉन्शियस की फिलोसॉफी देते जाएंगे देते जाएंगे देते जाएंगे, और फिर जो है प्रभु उसको वो हियरिंग चैंटिंग का टेस्ट आते जाएगा, भक्तों के संघ के अंदर सेवा करने का टेस्ट आएगा, तब उसको हायर टेस्ट मिलेगा, तब वो हायर टेस्ट के अंदर वो ज्यादा फिर फिक्स्ड अप हो जाएगा, और फिर धीरे 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 फिलोसॉफी की वजह से, वैष्णव का एसोसिएशन की वजह से, कृष्णा की कॉजलेस मर्सी के मतलब ये बिकम्स कंप्लीटली फिक्स्ड अप। लेकिन शुरुआत में तो प्रभु दैट लव एंड केयर इज सो इंपॉर्टेंट, ये महाराज ने ऐसा परफेक्टली फिक्स कर दिया है प्रभु जी, हमको ऐसा फिक्स कर दिया। एंड दैट इज द रीजन व्हाई इतना छोटा मंदिर होने के बाद में भी इतने डिवोटीज आ जाते हैं। आज के दिन डू यू नो द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन राधा गोपीनाथ टेम्पल इज, हमारे पास डिवोटीज बहुत है और हमारे पास इतनी सेवा नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम डिवोटीज इतने और सेवा नहीं है। सेवा कैसे दे, और कोई आप उसको बोलते ना दूसरे मंदिर में चले जाओ इधर इधर, सब लोग किसी को गोपीनाथ नहीं छोड़ने का है, नोबडी वांट्स टू लीव गोपीनाथ, किसी को नहीं छोड़ने का। और जिसको वो सेवा दिया है ना प्रभु जी, उसको बोलेगा अभी तुमने इतना सेवा किया, अभी तुम बाहर निकलो दूसरे को लाइन लगाओ, वो छोड़ता ही नहीं है। प्रभु जी यू विल बी शॉक टू नो व्हेन देयर वाज अ कोविड, कोविड के टाइम पे जो है प्रभु हम लोग ने, ये लोग सब मंदिर के अंदर ही सब सेवा करते थे, सब ब्रह्मचारी लोग, क्योंकि बाहर के लोगों को नहीं बोला कि नहीं आओ इधर, फिर बाद में जो है मंदिर के अंदर बहुत लोगों को जो 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 सेवा करे तो उनको कोविड हो गया, तो फिर बोला कि भाई अभी तो कुछ करना पड़ेगा, मंदिर की सेवा बंद हो रही है, डीटीज की सेवा, कुकिंग की सेवा, वो सब चीज के बाद तकलीफ हो रही है। तो फिर बाद में उन्होंने बोला कि ये कोई कोई कौन कौन डिवोटी ऐसा है कि जिसको इधर आना है, बट विथ ऑल दोस्त जो भी उसका रिक्वायरमेंट है वो सब रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इधर सेवा कर सकते हो। तो प्रभु जी पूरा लिस्ट आ गया, मीरा रोड
मीरा रोड, इट इज समथिंग लाइक गोपीनाथ मंदिर से मीरा रोड इज अप्रोक्सीमेटली समथिंग लाइक 50 किलोमीटर्स। 50-50 किलोमीटर लोग जो है प्रभु जी ट्रेवल करते थे, और वो भी कोविड के टाइम पे, जस्ट बिकॉज दे वांटेड टू डू सम सर्विस टू द वैष्णवाज इन राधा गोपीनाथ टेम्पल। सर्विंग वैष्णवा इज मोर इंपॉर्टेंट देन सर्विंग कृष्णा, ऐसा फिट हो गया है, ऐसा फिट हो गया है। आई डोंट नो वेदर यू नो इट और नॉट, टेम्पल में जो हमारा डीटी डिपार्टमेंट है उसके अंदर ब्राह्मण इनिशिएटिव चल सकते हैं ना, अंदर ब्राह्मण इनिशिएटिव वो अंदर का डीटी वर्शिप कर सकते हैं। प्रभु जी दे आर नॉट गिविंग ब्राह्मण दीक्षा टू ऑल, 10-10 साल 15-15 साल से छोटी छोटी ड्यूटी वर्शिप है, ऐसी सेवा जो डायरेक्ट नहीं होती वो करते रहते, लेकिन उसको ये की इच्छा होती कभी मैं ऑल्टर में जाऊं और ड्यूटीज की सेवा करूं, और उसको दे नहीं रहे, इनिशिएशन ही नहीं दे रहे, क्योंकि इनिशिएशन देंगे तो उसको सेवा करना पड़ेगा, सेवा देना पड़ेगा, और सेवा कर देने के लिए वो पहले वाला निकले तो सेवा मिलेगी ना, वो पहला वाला निकल ही नहीं रहा है। सर्विंग द वैष्णवास इज मोर इंपॉर्टेंट देन सर्विंग कृष्णा, ऐसा अच्छा लगता है प्रभु जी। भले ये मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है लेकिन अच्छा लगता है, क्या लाइफ है, तो मजा आ रहा है। डिवोटिस कितना अच्छा लगता है, ये डिवोटिस के साथ में ऐसा संग है। तो दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ राधा स्वामी, सर्विंग वैष्णवा इज मोर इंपॉर्टेंट देन सर्विंग। इसके वजह से इतने इतने बड़े बड़े सेवा, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स ले लेते हैं ना प्रभु जी। अभी 10,000 लोगों का अभी हमारी यात्रा हुई प्रभु, इट वॉज नॉट ए जो का प्रभु, किसके घर पे जो है ना शादी होता है ना, देखो जरा शादी किसके घर पे होता है ना, घर में 2,000 लोगों को बुलाएगा, बहुत बड़ा शादी है, 2,000 लोगों को खाने के लिए, वो 3 महीने से प्लानिंग होता है, 3 महीने से प्लानिंग होता है शादी के लिए, ये मेनू नहीं इतना करना है, नहीं इतना क्वांटिटी नहीं, ये कम नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। कैन यू इमेजिन 10,000 लोगों के लिए, और भी दिन में 3 टाइम, और वो भी 7 दिन तक, इज अ जोक, तो सहला है क्या, और वो भी सब चीज गरम गरम, इतना परचेसिंग होता है प्रभु जी। सब्जी काटने के लिए जो है ना, खाली सब्जी 10,000 लोगों का सब्जी काटना, उसके लिए 200 लोग चाहिए, मगर कितना खरीदी करके लेके आने का, 2 ट्रक भर करके जाते, और उसमें भी ऐसा मैंने मैंने सुना था, मैंने मायापुर में सुना था, वो लोग जो है प्रभु जी रात को मंडी चालू होती है, सब माल आता है सब्जी का, वो सबसे पहले जाकर के खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि इतनी क्वांटिटी चाहिए ना, वो अगर लेट गए तो उनकी क्वांटिटी उतनी मिलेगी नहीं और भाव इतना बढ़ जाएगा। इमेजिन कितना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, कितना कैश का एडजस्टमेंट होता है वहां पे, कुछ थोड़ी चेक चलता है हाउ मच, बट ये सब चीज बराबर जा रहा है। सर्विंग वैष्णव इज मोर इंपॉर्टेंट देन सर्विंग कृष्णा। तो दिस वाज द फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, ये महाराज का एकदम सीरियस है, ये तो बाप रे बराबर पकड़ करके रखा है। फिफ्थ पॉइंट इज स्ट्रॉन्ग साधना, एब्सोल्युटली नो कॉम्प्रोमाइज इन साधना, महाराज पकड़ करके रखा है। एंड आई कैन टेल यू प्रभु जी, राधानाथ महाराज खुद क्या लिखा है, ऑल्सो मेंटेनिंग नॉन स्पाइसी फूड। हाँ देखो अभी अभी जो अंकित अंकित ने प्रभु जी वो जो प्रसाद भी बनाते थे ना, उसके अंदर नॉन स्पाइसी फूड, उसके लिए अलग कैटेगरी, क्योंकि हमारे सब फॉरेन के डिवोटीज आते हैं, उसको इंडियन स्पाइसी वाला थोड़ा, हम लोग स्पाइसी खाते हैं, वो लोग को ऐसा लगता है, वो लोग के लिए अलग फूड, प्लस सीनियर डिवोटीज के लिए, सीनियर डिवोटी बेचारा बोलते हैं अरे हम लोग इतनी बड़ी लाइन में हम खड़ा रहने में तकलीफ होती है, ये होता है। इस बार क्या हुआ, मेरा 60 खत्म हो गया था ना, कल मेरा 61 हुआ, लेकिन मैं 60 क्रॉस कर लिया था, तो मैंने पहली बार वो सीनियर डिवोटीज के कैंप में गया, मैं इतना सुंदर वहां पे उसके लिए अरेंजमेंट, वो डिवोटीज को बेचारे बूढ़े डिवोटीज लाइन में नहीं खड़ा रहना चाहिए, उसके लिए अरेंजमेंट, और उसके लिए तो सब टेबल बेबल सब दे दिया, प्रसाद सब आपके आपके सामने आकर के सर्विंग करने आएंगे। मैंने बोला यार ये तो हाथ धोने का भी एकदम बाजू में दिया, सब बराबर दे दिया, क्या अरेंजमेंट कर रही है, नॉट ए जोक है प्रभु जी, इट इज नॉट ए जोक, नॉट ए जोक। पर ये कंसेप्शन ये क्यों हो रहा है, और वापिस हम्बल, ह्यूमिलिटी को बराबर रखने का। प्रभु जी अभी मैं आपको बताता हूं, सी आई विल टेल यू द सीक्रेट ऑफ राधा राधा गोपीनाथ टेम्पल। कोई भी डिवोटी आएगा ना, कोई भी बाहर का डिवोटी आएगा, उसको आप 3 चीज बराबर दोगे ना, 3 चीज, वो डिवोटी
सीधा हुक्टअप ही हो जाएगा, कंप्लीटली बोलते ना कि कैप्चर हो जाएगा। क्या तीन चीज होती है? सर्विंग वैष्णव इज मोर इंपॉर्टेंट देन सर्विंग कृष्णा, यानी उसके साथ में इतना सेवा करेगा वो, क्योंकि उसको मालूम है वैष्णव को पहले सेवा करनी। दूसरा, जिन्यून ह्यूमिलिटी बताएगा, मैं कुछ नहीं हूं, मेरे गुरु महाराज जो है वही मेरा सब कुछ है, मेरा मेरा लेवल बहुत नीचे, और रियलिटी के साथ, ऐसा नहीं है कि खाली बातें करना है। करेक्ट। एक तो सबसे पहला प्रभु क्या बताएगा, सर्विंग वैष्णवास। दूसरा, जिन्यून ह्यूमिलिटी बताएगा। तीसरा, सिंप्लिसिटी करेगा, मैं सिंपल, एवरीबडी वॉन्ट्स टू फॉलो लाइक राधानाथ महाराज, सिंपल। और फाइनली ये सब करने के बाद में भी कृष्ण कॉन्शियसनेस में कहां पर भी फोकस में कहां पर भी डाइवर्ट नहीं किया है, साधना स्ट्रॉन्ग रखा है। मेरे को बताओ प्रभु, आई आस्क एवरीबडी, अभी कितने लोग बैठे हैं, 111 डिवोटीज बैठे हैं यहाँ पे, मैं सबको पूछ रहा हूं, अगर ये चार चीज तुम्हारे लाइफ में अंदर कोई भी डिवोटीज के सामने आप देखोगे, ये चार चीज है, स्ट्रॉन्ग साधना है, सर्विंग वैष्णवास विद लाइफ एंड सोल, एंड सर्विंग वैष्णव इज मोर इंपॉर्टेंट देन सर्विंग कृष्णा, जिन्यून ह्यूमिलिटी, जिन्यून सिंप्लिसिटी। प्रभु आप कितना भी रिजिड डिवोटी भी रहेगा ना, तो भी आप क्लीन बोल्ड हो जाओगे। एवरीबडी एग्रीज और नॉट, दिस इज द मैजिक ऑफ राधानाथ स्वामी, दिस इज वॉट राधानाथ स्वामी हस्त है। प्रभु मैंने बहुत ये सब एनालिसिस किया है ना, अपन सिर झुकाते नहीं है, बनिया है ना। ये बहुत एनालिसिस किया, बहुत एनालिसिस किया, और फिर बाद में कंक्लूजन पे आया कि ना यही सब की चीज दे देते हैं, पूरा दे देने का। सो दिस वॉज द साधना, साधना प्रभु जी महाराज, कितना भी लेट आएंगे रात को, कितना भी प्रोग्राम रात को, कितना भी रात को लेट प्रोग्राम प्रभु जी, कभी कभी ये बम्बई में से हमारे, अगर बोरीवली मीरा रोड होता है तो मीरा रोड से आते वक्त जो है ना प्रभु, ट्रैफिक ये सब बम्बई का ट्रैफिक आपको पता नहीं है, बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड ट्रैफिक होता है, फंस गया तो बाहर निकल नहीं पाते। रात को 1 बजे 2 बजे कभी भी आएंगे, महाराज विल बी डेफिनेटली बी देयर, एंड ही विल चांट हिज राउंड्स ओनली विद द डिवोटीज ड्यूरिंग जपा सेशन टाइम ओनली। मैं थोड़ा बनियागिरी करता था, मैं अभी भी कर रहा हूँ, महाराज का एक फिक्स प्लेस है वहां पे जहां पे बैठते हैं महाराज, और मेरा भी एक फिक्स प्लेस है मंदिर में, गोपीनाथ मंदिर में, जहां मैं जपा करने बैठता हूँ। तो जब अभी तो मैं पहले बहुत रेगुलर होता था ना, तो मैं मेरा वही जगह रहता, और अभी तो लोग को पता है कि वो हफ्ते में 1 या 2 दिन मैक्सिमम आता है, तो फिर दूसरे दिन मैं, वो लोग बेचारे वो जगह पे दूसरे लोग बैठ जाते हैं, लेकिन जब भी मैं जाऊंगा ना, तो एज अ रिस्पेक्ट वो जो भी वहां पे बैठा होगा वो उठ जाएगा और मेरे को वहीं पे बिठाएगा, बिकॉज आई, मेरे को थोड़ा बैक प्रॉब्लम है तो मेरे को वो कुशन जैसा रखना पड़ता है, लेकिन मैंने वो चूज क्यों किया है वो जगह, क्योंकि मेरा और महाराज एकदम सामने सामने दिखते हैं हम लोग। आई कैन वॉच महाराज वाइल चांटिंग द होली नेम एंड आई कैन गेट इंस्पिरेशन, ऐसा डेस्परेशन से जपा करते हैं महाराज, उनको देख करके मैं ढीला होता हूँ तो मैं बराबर टाइट हो जाता हूँ कि भाई जपा तो इस तरह से करना है। बट वॉट आई मीन टू टेल यू इज प्रभु, महाराज नेवर मिसेस टू चांट ओनली विद द डिवोटीज, सुबह पे जपा, अपना खुद का भी जपा वो डिवोटी के साथ में, अभी एक्स्ट्रा कितना करते होगे वो अंदर के जाप पता नहीं है, वो उनके रूम में करते होगे, लेकिन जपा सेशन में वो डिवोटी के साथ में आ जाएंगे और डिवोटी के साथ में ही जपा करेंगे, एंड डिवोटीज ऑल्सो फील सो हैप्पी कि भाई महाराज हमारा साथ में बैठे हुए जपा कर रहे हैं। एंड आई स्टिल रिमेम्बर प्रभु जी महाराज वॉज सो कॉशियस, एक दिन ऐसा हुआ था कि महाराज की तबियत बहुत खराब हो गई थी और रात को प्रोग्राम करके भी लेट आए, और सुबह में महाराज नहीं उठे, सुबह में नहीं उठे, फिर सीधे श्रृंगार दर्शन में आए, तो श्रृंगार दर्शन में आया, फिर एक ब्रह्मचारी को महाराज ने बोल दिया, आई एम ए कल्प्रिट टुडे, मैंने खोटा काम किया है, मैंने आज जो है आप लोग के साथ में बैठ करके जपा नहीं किया है। सो ब्रह्मचारी लोग हिल गए, महाराज आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आपको पता है आपकी तबीयत कितनी खराब है, कुछ भी है मैंने आपके साथ में जपा नहीं किया है। बड़ा ये प्रभु जी, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मेरे को बहुत इंस्पिरेशन मिलता है ऐसा सब देखता हूँ तो आई गेट वेरी मच इंस्पायर्ड, नहीं जीना है तो ऐसा ही जीना, क्या स्ट्रॉन्ग साधना, आई कैन टेल यू प्रभु जी, ये स्ट्रॉन्ग साधना जो है ना, हम लोग इधर जो भी कुछ हम जूम में जो अभी कर रहे हैं ना, एवरीथिंग आई हैव लर्न ओनली फ्रॉम राधानाथ स्वामी,
Definitely Bhakti Rasamrita Maharaj also. But strong sadhana. Absolutely strong sadhana. I can tell you, Prabhuji, I think I've told you so many times, Prabhuji. Maharaj himself has told me very clearly, you should not enter the stock exchange tower till that time you don't complete your first 16 rounds. And I straight away tell you from the core of my heart right now, itni halki jagah pe main jee paya aur itne saalon tak reh paya, it is only because of Radhanath Swami's specific instruction, don't enter the stock exchange tower till that time you don't complete your first 16 rounds. अटेंटिवली फोकस, ऐसा नहीं ट्रेन में गए हैं हरे कृष्णा करने का, ट्रेन का भी ट्रेवलिंग भी हो जाएगा, जपा भी हो जाएगा. नो, फर्स्ट 16 राउंड्स वेरी क्लियर, ओनली जपा, नथिंग एल्स शुड बी देयर विदाउट विद जपा. हाँ, दूसरा तुम करो एक्स्ट्रा करते वक्त, आगे जो तुमको दूसरा जो भी करना है वो तुम एक्स्ट्रा करते जाओ, साथ में करो, कोई बात नहीं. फर्स्ट 16 राउंड जो तुमने वाव लिया है इनिशिएशन पे, कंप्लीटली फोकस्ड. कितने लोग कर सकते, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्ट्रॉन्ग साधना ऑफ राधानाथ स्वामी, कंप्लीटली क्लियर. कितने लोग करते हैं प्रभु जी, सॉरी हाँ प्रभु जी, मैंने बहुत देखा है, अभी इनिशिएटेड डिवोटीज भी अभी 16 माला नहीं कर पा रहे. एक्सट्रीमली सॉरी टू से दिस सेंटेंस, पर यहां पे स्टैंडर्ड ऐसा है, काम पे मत जाओ जब तक जपा नहीं खत्म होता है. तभी कृष्ण भक्ति का टेस्ट आता है, थोड़ी क्या मफत में आता है प्रभु, नो पे नो गेन, या देना पड़ता है, कुछ ऊंची चीज चाहिए तो. कितने लोग कर सकते, कभी कभी तो रात को आते हैं, फिर रात को माला करने बैठते हैं, और दो माला तीन माला, फिर बाद में जो है सो जाते हैं, फिर बाद में सुबह में मालूम करते हैं इतना जपा बाकी है, कैरी फॉरवर्ड, ये वैसा होता है. फिर बाद में जो है प्रभु जी क्या होता है, बाद में यू यू लूज द टेस्ट ऑफ कुछ. इसलिए मैं अगले हफ्ते बहुत हैवी क्लास देने वाला हूँ प्रभु, आई स्पीक ऑन हाउ यू डोंट हैव टू बिकम लूज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, व्हाट एवर आई हैव लर्न फ्रॉम राधानाथ स्वामी. तो स्ट्रॉन्ग साधना, नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ये मेरे लाइफ में मेरे को इतना मदद किया है ना, ऑफकोर्स आई एम नॉट रीच टू दैट आईएस, लेकिन मेरे जो मुझे इसमें जो मिला है ना, महाराज महाराज ने मुझे ये समझाया, और मैंने देखते गए, और मेरे लाइफ में मैंने मोल्ड किया है, दिस हैज हेल्प मी सो मच इन माय लाइफ. महाराज इज वेरी वेरी केयरफुल, एक्सट्रीमली केयरफुल टू नॉट टू डिस्टर्ब एनी डिवोटीज इमोशन एंड सेंटिमेंट्स, एक्स्ट्रा कॉशियस रहते वो, कुछ भी बड़बड़ जैसे मेरा प्रभु जी, आप अभी तो मैं आपको आपको आप आपने सब लोग ने अनुभव किया है, मैं इतना बड़बड़ कर लेता हूँ प्रभु, इतना सीखने के बाद में ये स्टैंडर्ड है, उसके पहले क्या हालत होती होगी आप देखो, इतने कॉशियस रहते महाराज, इतने कॉशियस होते, उसका सेंटीमेंट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, वैष्णव है. और मैसेज छोड़ देते हैं, मैसेज बता देते हैं, लेकिन एकदम बराबर मीठी रीत से बता देते हैं, उस थोड़े समय के बाद में मालूम होता है, एनेस्थेसिया देते हैं ना, तो बाद में वो जो कुछ भी करने का मालूम हो, उस समय कुछ समझ में नहीं आता है, फिर बाद में वो एनेस्थेसिया जाने के बाद में अंकल आने लगती है कि बाप रे क्या हो गया अंदर. एग्जैक्टली उसी तरह से, बट दैट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ एक्सपर्टीज जो अपने पास नहीं है. एक्सपर्टीज और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट चाहिए ये करने के लिए. लेकिन एक चीज तो पक्का चेक करते रहने का है, किसी का इमोशन और सेंटीमेंट के साथ में नहीं खेलने का. डिवोटीज है, डिवोटीज है प्रभु, किसी का हृदय तोड़ने का हक नहीं है प्रभु जी. आई कैन टेल यू दिस हैज हेल्प इन माय स्पिरिचुअल लाइफ सो मच. मैं मेरे बचपन का मैं जब विचार करता था, और अभी का विचार कर रहा हूं, और ये जब थोड़ा बहुत मैंने मेरे लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश किया है प्रभु जी, इट हैज हेल्प सो मच, इट हेल्प सो मच. दिस इज द क्वालिटी ऑफ राधानाथ स्वामी. कभी भी हाँ देखते हैं कि बोलना नहीं, अभी बोलने से जो है मेरे को एक ही चीज उन्होंने बोला था, अगर बोलने के बाद में मैटर जो है सॉल्व नहीं होता है और कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाती है, बेहतर है चुप बैठो. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? दिस इज वॉट इज सो मच इंपॉर्टेंट.
लेकिन महाराज जरूरी है, उसको बहुत मैसेज तो देना है। मैं तो वो मैसेज देने के बाद में करेंगे क्या, वो भक्ति से ही चला जाएगा, या तो डिफरेंस ओपिनियन इतना बढ़ जाएगा और क्लासेस ज्यादा बढ़ जाएगा और उसका उसका फेथ हिल जाएगा। तो क्या पाया हमने, क्या पाया? ये प्रभु जी ऐसा समझना, समझने का है ना। तो भी सो केयर को अभी मैं बता रहा हूं प्रभु जी, हमारे जूम के अंदर ऐसे है जो डिवोटी, कितना हमारे वो सेवक लोग और सेविका माता जी लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं प्रभु जी इसको मैंने कितनी बार बोलता हूँ, आप मत सो, आप ये मत करो, ये मत, लेकिन समझते ही नहीं है। अभी क्या करें, मैंने बहुत विचार किया, मेरे को महाराज ने क्या बताया, बेहतर है चुप बैठो। वो आते हैं ना भक्ति में तो थोड़ा बहुत तो आते हैं ना, सुबह बेचारे 4 बजे आते हो जाते हैं माला करने के लिए, वो बंद ही जाए, आएगे ही नहीं। बेहतर है चुप बैठो और कृष्णा से प्रार्थना करो कि कृष्णा इसकी वजह से दूसरे लोग विस्तृत न हो जाना, उतना ध्यान करना, हम चुप बैठेंगे इसके लिए। दिस इज मैच्योर कृष्ण कॉन्शियसनेस, राधा दर बोलने के बाद में वो तो चला जाएगा और दूसरे 10 को भी बिगाड़ के जाएगा। ये सब चीज जो है ना प्रभु जी, मेरे को अक्कल ही नहीं थी, ये राधा राज स्वामी ने बताया। सेवेंथ चीज बोलते जाओ ना, बोलो यस प्रभु जी, ना। सेवेंथ चीज, वेरी मच गिविंग हाईएस्ट रिस्पेक्ट टू द सीनियर, ये राधानाथ महाराज का एक स्पेशल क्वालिटी है प्रभु जी। सीनियर्स को भी प्रभुपाद डिसाइपल्स को कितना रिस्पेक्ट, आपको पता है ना हमारा व्यासासन जो है ना, राधा गोपीनाथ में जो आया है जो व्यासासन है ना हमारा, वो व्यासासन के अंदर कम से कम 8 लोग बैठ सकते हैं, वो हिसाब से ही व्यासासन बना है, जिससे महाराज जब भी क्लास देवे तो उसके सब गॉड ब्रदर्स उसके साथ में बैठने चाहिए। कभी कभी हमको लगता था कि महाराज इतनी जगह चला जाती है, खाली ऐसा ही एक ही बैठ, एक को तो प्रवचन देना, दूसरा आदमी बाजू में बैठ जाएंगे। नो, सीनियर को आई वांट टू, और वो कभी ज्यादा से ज्यादा करके सबको बोलते हैं 5 मिनट 10 मिनट बोलो। देखिए, और हम लोग आए हैं महाराज को सुनने के लिए, लेकिन हमको सबको सुनना पड़ता है, क्योंकि महाराज वांटेड टू गिव अ रिस्पेक्ट टू द सीनियर डिवोटीज एंड प्रभुपाद डिसाइपल्स। क्या क्या सीखा है प्रभु जी, और हमारे एक छोटा सा गार्डन महाराज ने बनाया है गोपीनाथ, वहां पे एरिया में एक 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 स्क्वायर फीट का पैसा तकरीबन 40 से 50 हजार स्क्वायर फीट का भाव है उधर, लेकिन वहां पे भी थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके छोटा सा गार्डन बनाया, उसको वृंदावन गार्डन, वृंदावन फॉरेस्ट बोला जाता है। महाराज स्पेसिफिकली देखते हैं कि जो भी प्रभुपाद के डिसाइपल या कोई भी सीनियर डिवोटी आया है, उनका प्रसाद जो होता है, यानी प्रोग्राम के बाद में प्रसाद उनको वहां पे दिया जाता है स्पेसिफिकली। और प्रभु यू विल बी शॉक टू नो, हमारा गेस्ट डिपार्टमेंट है ना, गेस्ट डिपार्टमेंट जो गेस्ट को संभालते हैं, वो महाराज खुद पर्सनल इंचार्ज है, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट करते हैं, पूरा पर्सनली चेक करते रहते हैं कि किसी को तकलीफ नहीं हो रही है जो हमारे मंदिर में आया है, सब जस्टिस देते हैं, सब जस्टिस, उनको जो प्रसाद चाहिए, उनको जो चीज लेने का है, उनको जिस तरह से सोना है, उनको जिस तरह से चाहिए, एवरीथिंग इज अरेंज्ड, एवरीथिंग इज अरेंज्ड। मैंने बहुत डिवोटीज जो है, जो प्रभुपाद डिसाइपल है, सीनियर डिवोटीज है, उनको मैं पूछता था एज ए इंक्विजिटिवनेस, कैसा लगता है गोपीनाथ मंदिर में, डू यू नो व्हाट दे से, हमारे घर में भी ऐसा अच्छा नहीं लगता जितना हमको गोपीनाथ में अच्छा लगता। व्हाई? बिकॉज़ इतना आप लोग जो है, क्या हमारे, क्या हमको गेस्ट रिसेप्शन देते हो, सर्विंग वैष्णवा, सर्विंग सीनियर डिवोटीज इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। इतना माहौल में हो, और मैं बोलता हूँ, मैं अपने फिर उनको पूछता, इतनी छोटी जगह है, इतनी क्रैंक है बस, हम इतना, हमको प्रभु जी हमारे पास स्पेस बहुत कम है। एक ही बोलते हैं, जब प्रेम होता है ना, जब अटैचमेंट हो जाता है ना, जब लविंग रेसिप्रोकेशन होता है ना, तो फिर एक्सटर्नल चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, एंड दिस इज वॉट हैपन्स राधा गोपीनाथ। प्रभु जी थोड़ा विचार करो, ये आदमी ने क्या क्या किया है ये सब बेस को डेवलप करने के लिए,
क्योंकि सब लोग का कोई हमारा कोई बेस ही नहीं था। ये सबको कल्टीवेट करने में कितना उन्होंने एनर्जी दिया, कितना एनर्जी दिया। दिस वाज द सेवेंथ पॉइंट। एट्थ पॉइंट, केयरिंग फॉर ईच एंड एवरी कैटेगरी ऑफ डिवोटीज। ऐसा नहीं है बस डिवोटीज में चलो लव एंड केयर सेटिस्फेक्शन करो, सबको सर्विंग करो, लेकिन ईच एंड एवरी कैटेगरी की डिमांड अलग अलग है और सबकी डिमांड अलग अलग है, और सबको जो है उस हिसाब से उनकी जो डिमांड है उसके मुताबिक सबको लोगों उनका उनको जो है ध्यान रखने का। आई गिव यू सम एग्जांपल्स। अभी हमारे बच्चे लोगों है जो हमारे इतना बड़ा कॉन्ग्रीगेशन है तो सबके बच्चे आएंगे। बच्चे लोगों के गोपान फन स्कूल रखा है, वो गोपान फन स्कूल जो है वो सब बच्चे लोगों को संभालते हैं। वो लोग के लिए क्या क्या करते हैं प्रभु जी, वो लोग क्विज करते हैं, यात्रा बनाते हैं, पिकनिक में लेके जाते हैं, श्लोका करवाते हैं, म्यूजिक सिखाते हैं, मृदंग करताल सिखाते हैं, छोटा छोटा भागवत गीत, छोटे छोटे स्टोरीज करवाते, क्या क्या करते हैं। और मैंने इतने ऐसे डिवोटीज को देखे हैं कि जिसको माँ बाप को जो है मंदिर नहीं आना है, लेकिन वो बच्चे लोगों को वो गोपाल फन स्कूल में जाने का है, इसके वजह से वो उसके माँ बाप को भी आना पड़ता है। बच्चे लोगों के लिए गोपाल फन स्कूल। फिर उसके आगे जाएंगे तो यूथ, यूथ के लिए प्रेरणा का प्रोग्राम, खाली यूथ, आई थिंक इट इज 15 to 35 ये जो ऐसा कुछ है, और वो यूथ के अंदर 1200 1300 कभी कभी 1500 खाली यंग बच्चे आते हैं सब कॉलेज के, और ऐसा तगड़ा प्रसाद देते हैं ना यंग बच्चे लोगों के, दे हैव अ गुड एपेटाइट एंड दे वांट ऑल वैरायटीज ना। प्रेरणा अभी कुछ मेरे ख्याल से क्या है 10 साल या 15 साल के ऐसा कुछ हो गया था अभी प्रेरणा को, आई डोंट नो बिकॉज आई एम नॉट अलाउड ना। मेरे को अलाउ नहीं करते वो लोग। एक बार अलाउ किया था एज ए गेस्ट में, ऐसा कुछ गेस्ट भी आते नहीं अलाउ, ऑफकोर्स आई आई विल नॉट, दे विल नॉट से एनीथिंग बट आई विल नॉट गो ऑल्सो। घर पे बैठ करके ऑनलाइन सुनना है तो सुनो, और एकदम यूथ के टॉपिक्स पे चर्चा किया जाता है, ओनली रिलेटेड टू यूथ, क्या क्या उसके प्रॉब्लम्स, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन, सेटल्ड होना है, लस्टी डिजायर आती है, फिर जो है फैमिली के साथ में कैसे एडजस्टमेंट करना, सब चीज ओनली यूथ के लिए। लेकिन ये यूथ ओनली फॉर माता प्रभु जी, फिर माता जी के लिए भी यूथ के लिए रखा है, उसको चेतना बोलते हैं, उसके अंदर ओनली माता जी फ्रॉम 15 to whatever 30 35, मैंने वो तो देखा नहीं है, वो माता जी का तो मैं गया भी नहीं, लेकिन ओनली फॉर माता जी, उसमें माता जी लोग ही वो वहां के हमारे ग्रुप में माता जी लोग प्रोग्राम देते हैं, और कभी कभी राधानाथ महाराज ऑल्सो गिव्स द प्रोग्राम। उसमें मैंने मैंने सुना है वो ऑनलाइन कभी कभी मैं सुन लेता हूँ। माता जी लोग का सिंपल लाइफ नेचर होता है ना, वो लोग को कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, उसको शास्त्रीय ये सब चीज खोपड़ी में नहीं जाती है, ये प्रभु जी लोग शास्त्रीय ये वो हजार चीज होते, वो लोग बेचारा सिंपल होते हैं, और महाराज हमेशा बोलते रहे वुमन्स आर सिंपल, उनको लव केयर और अटेंशन दो तो बेचारे सब बराबर भक्ति में रहेगी। हट करके समझ में आता है माता जी के लिए। फिर ओल्ड डिवोटीज जो है हमारे जैसे अभी अभी सीनियर डिवोटीज, वरिष्ठ वैष्णव का पूरा अलग ही डिपार्टमेंट रखा है। वो वरिष्ठ वैष्णव का जो क्या हेल्थ प्रॉब्लम, क्या कॉम्प्लिकेशंस, घर के अंदर कैसा जीने का, अभी तो वो रिजेक्टेड हो गए ना, रिटायर हो गए, वानप्रस्थ हो गए, तो घर के अंदर वो इस रिस्पेक्ट के किस तरह से जीना, क्या उसके लिए सेमिनार करते हैं, डॉक्टर्स को बुलाते हैं, और डॉक्टर्स को बुला करके उनके किस तरह से लाइफस्टाइल जीने का, वो सब चीज उसके अंदर होता है वरिष्ठ वैष्णव। और वो लोग को यात्रा के अंदर स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे जो है उनको अननेसेसरी स्ट्रेस ना हुए कहां पर भी। मैं पहले से हमेशा बोलता रहता मैं तो मेरे को जल्दी वरिष्ठ वैष्णव बनने का है जिससे सब फैसिलिटीज मिल जाए। एकोमोडेशन में फैसिलिटीज मिलता है हमको, जिधर रहने का पहला हमको वो वरिष्ठ वैष्णव को प्रेफरेंस दिया जाता है, तो अपने को पहला मिल जा रहा है, अभी मेरा हो गया इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरे को अच्छा जगह मिल रहा है, वरिष्ठ वैष्णव को फर्स्ट प्रेफरेंस, प्रसाद में फर्स्ट प्रेफरेंस, यात्रा में किधर भी मंदिर में जाने का तो पहला उनको दर्शन करवा लेने का, रूम में किधर भी क्यू होता है तो क्यू में पहले छोड़ने का नहीं, उसको पहले ही छोड़ दो, ये सब वरिष्ठ वैष्णव को प्रायोरिटी दिया जाता है। तो वरिष्ठ वैष्णव के लिए पूरा ग्रुप बनाया है। फिर प्रॉब्लम है यूथ वाले लोग का, यूथ का लड़के का प्रॉब्लम है, उसको लड़की अच्छी नहीं मिलती, लड़की को प्रॉब्लम, अच्छा लड़का नहीं मिलता है,
वो लोग के लिए मैरिज ब्यूरो बनाया। मैरिज ब्यूरो के अंदर एकदम मैच्योर गृहस्थ प्रभु जी और माता जी सबको जमा किया है, और वो लोग जो है कोई कोई मैच मिलता है अच्छा हॉरोस्कोप और सब विद कंसेंट ऑफ द पेरेंट्स, तो लोगों को जमा करते हैं, लड़का लड़की को सबको बिठाया गया है, सब देखेंगे हॉरोस्कोप ये वो हजार चीज। कैन यू इमेजिन प्रभु जी, पेरेंट्स का सबसे बड़ा टेंशन होता है। राधा गोपीनाथ टेम्पल वॉज डूइंग ऑल दिस थिंग्स। स्कूल, अभी छोटे बच्चे के लिए स्कूल, हमारे गोपालगढ़ ने स्कूल बनाया, बच्चे लोगों को संभाले। हॉस्पिटल भक्ति विदान हॉस्पिटल, उससे आगे निकलो, कभी महाराज ने जीवी बना दिया। जीवी क्यों बनाया कि भाई अभी ये लोग जो है सब सब खत्म करके बाद में फाइनल फाइनल डेस्टिनेशन तो कृष्णा को याद करके मरना है ना। महाराज हमेशा बोलते हैं, मेरे को कितनी बार बोला है, दिस इज फॉर यू हाँ आनंद वृंदावन, तुमको इधर आके रहने का है, यू हैव टू कम एंड स्टे हियर। मेरे बोला महाराज मेरे को ये क्लाइमेट नहीं जमती है, ठंडी मेरे को नहीं जमता है, बट वेरी क्लियर इधर रह करके मरने का है तो कृष्णा को याद करके मरने का है। कैन यू इमेजिन द फोरसाइटेडनेस प्रभु, जस्ट सी द फोरसाइटेडनेस। This is what is Radhanath Swami. इतनी छोटा टेंपल के अंदर कितना हो रहा है, कितना हो रहा है। अभी मेरे को है ना प्रभु जी, अभी ज्यादा नहीं बोलना है, इट्स ऑलरेडी 1.5 घंटा हो गया है। आई लाइक टू स्पीक नाउ 10-15 मिनट समथिंग, हाउ महाराज हैज हेल्प मी इन माई स्पिरिचुअल लाइफ। आपने पहले उन्होंने बताया सब क्या क्या मैंने हजार गड़बड़ किया है, बट आई कैन टेल यू प्रभु जी एवरीथिंग। मेरे को संभव प्रभु जी एक सबसे बड़ा, आई वॉज सो फॉर्चुनेट इनाफ कि मेरा क्या हुआ प्रभु जी, मैं जब भी एंट्री लिया ना तब कॉन्ग्रीगेशन छोटा था, तो अपना काम, अभी अभी तो कॉन्ग्रीगेशन ही बढ़ गया तो पीपल कैन नॉट गेट दैट एसोसिएशन। अभी मुझे नहीं मिल रहा है प्रभु जी, आई कैनॉट आई 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 कैनॉट गो एंड मीट महाराज के, इतना बड़ा बिचारा है। मेरे को उनके सेक्रेटरी ने एक बार बोला, मैं तू महाराज को मिलना है तो 56 अपॉइंटमेंट है, 57 तुम्हारा डाल देता हूँ। बोला 57 अपॉइंटमेंट में 2 दिन में वो बिचारे किधर मिले गए, हरी बोल कर देने का वैसे, हरी बोल कृष्णा चलो निकल जाओ। ये हालत है। सो नाउ दैट फेज इज ओवर अपने लिए, लेकिन उस समय हम लोग अकेले थे, बहुत कम लोग थे ना, तो हम लोग मुझे बहुत अच्छा फायदा मिल गया और मैंने महाराज को बहुत हैरान किया, मैंने बहुत हैरान किया। आई हैव टू टेल यू, मैंने बहुत हैरान किया, मैंने सब चीज महाराज से लिया है प्रभु जी, उन्होंने मुझे सब सिखाया है, कैसे रहने का घर में। मैंने मेरी शादी मंदिर से किया है, तो मंदिर से शादी करने के बाद में किस तरह से हस्बैंड और वाइफ रहना चाहिए, किस तरह से बिजनेस भी करना है और फैमिली लाइफ भी मेंटेन करना है और कृष्ण कॉन्शियसनेस भी बराबर मेंटेन करना है, किस तरह से पूरा बैलेंस करना है, वहां तक मेरे को राधानाथ महाराज ने किया था प्रभु जी। कि मैं रोज मंदिर में आ जाता था तो उन्होंने बोला एक दिन मंदिर में मत आओ, एक दिन रेस्ट लो। मैं रेस्ट लूंगा तो फिर बाद में मेरा भक्ति का क्या होगा, ठीक है उधर प्रोग्राम चालू करो, उधर प्रोग्राम चालू करो, मैं तो उधर कैसे करूंगा मैं, ठीक है उधर सब वहां के लोकल को बुलाओ, वहां पे जपा करो और क्लास दो। मैं तो मेरे को क्लास कुछ आता ही नहीं है, मेरे को तो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, मेरे को ये सब शास्त्र वास्त्र कुछ समझता नहीं, ठीक है 6 दिन इधर आया ना, 6 दिन भागवतम क्लास सुना ना, वो भागवतम क्लास में 6 दिन में जो अच्छा लगा वो बोल देने का उधर, तो वो लोग भी राधा गोपीनाथ के साथ में कनेक्टेड रहेंगे और तुमको भी अच्छा लगेगा और तुमको आराम भी मिल जाएगा। प्रभु जी टू बी वेरी फ्रैंक, उसकी वजह से हमने एक जपा सेशन चालू किया वहां पे बोरीवली में, हम जहां पे रहते हैं, और उसको आज 32 साल हो गया, ये जूम जपा है ना वही कंटिन्यूएशन है, इस तरह से चला है। सो मच किस तरह से जीना है। अरे वहां तक मेरे को बताया एक दिन छुट्टी लेने का, मैं तो छुट्टी के दिन फिर सुबह में माला करने के बाद में क्या करूं महाराज, तो मैंने बोला माला करने के बाद में सो जाने का, आराम कर लेने का पूरा हफ्ते का, क्योंकि सैटरडे संडे भी पूरे दिन हम मंदिर में रहते थे, तो आराम करने का, फिर दोपहर में उठने के बाद में रीडिंग यरिंग कर लेने का, फिर तो शाम को, फिर शाम को घूमने जाने का। बोला घूमने का महाराज क्या है, ठीक है यू हैव टू गो विथ योर वाइफ एंड योर विथ योर चाइल्ड। महाराज वो तो वेस्ट ऑफ टाइम है, मैं तो डोंट कंसीडर दैट वे। माता जी बिकम्स वेरी हैप्पी व्हेन शी अंडरस्टैंड्स माय हस्बैंड हैज कम विथ मी।
और फिर वो सब्जी, मेरे को तो सब्जी लेता है तो वो सब्जी खरीदने का, ग्रोसरी खरीदने का, तो तुमको उसके साथ में जाने का। बोलो महाराज वो सब मेरे को क्या समझता है, चावल का भाव और गेहूं का भाव यार, सब्जी का भाव, उसको मेरे को क्या, तो कुछ नहीं करेगा वो ठेला तुम्हारे पास रहने का, वो बार्गेनिंग करेगी, वो सब करेगी, तुम ठेला पकड़ करके रखने का, बस ले लो इसके अंदर ले लो। यू विल अंडरस्टैंड इट, शी विल बिकम सो हैप्पी, माई हस्बैंड इज गिविंग मी कंप्लीट सपोर्ट इन ऑल दिस थिंग्स। फिर तुम जैसा भी उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस में मोल्ड करना चाहोगे ना, वो मोल्ड हो जाएगी, क्योंकि उसको लगेगा आई एम ऑल्सो कंसिडर इम्पोर्टेंट इन द हाउस, माई हस्बैंड इज सपोर्टिंग मी। फिर उतना वही सपोर्ट जो मिला उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस में पूरा मोल्ड कर दो। क्या बुद्धि है, कैन यू इमेजिन प्रभु जी क्या बुद्धि है। माता जी भी खुश और तुम्हारा गोल भी क्लियर। आई स्टिल रिमेम्बर प्रभु, मेरे वो बच्चे को क्या करने का, तो बच्चे को उसके साथ में जाने का, उसको जो अच्छा लगता है ना वो खिलाने का। आई स्टिल रिमेम्बर प्रभु, माई सन इज राइट नाउ 27 ईयर ओल्ड। वो हमेशा बोलते हैं पापा तुम लोग, मेरे को जब भी मैं 5 साल का था ना, तब मेरे को एक जगह पे वो होता है ना स्कूल, वो राइडर राइडर होता है, ऊपर नीचे होता है, 5 रुपए डालने का और ऊपर नीचे होता है वो, उसमें हम लोग 5 रुपए में उसको बिठाते थे और एक आइसक्रीम देते थे उसको। वो अभी 27 साल का हुआ है, लेकिन वो 5 साल का जो हुआ है वो उसको आइसक्रीम खिलाते थे और ऊपर नीचे जो करता है ना वो अभी भी भूलता नहीं, वो 5 रुपए डालने का और ऊपर नीचे करते। दिस इंप्रेशन दे विल अंडरस्टैंड इट, माय पेरेंट्स हैव टेकन केयर ऑफ मी एंड देन मोल्ड इन इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभु जी क्या क्या मिला है बिजनेस के अंदर भी, कैसा, आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स प्रभु जी, सर ऑफिस में जाने का नहीं जब तक सोला माला नहीं होती है, फेस टाइम नहीं करने का, जैसा फ्री टाइम हो तो आइदर यू शुड बी प्रीचिंग, रीडिंग और हियरिंग और चैंटिंग। क्या फोकस था प्रभु जी, क्या फोकस लाइफ है, क्या सिस्टमेटिक हुआ था। तो प्रभु आई एम सो मच इंडेटेड टू दैट। ये जो कुछ भी हुआ है प्रभु जी मेरे लाइफ में, कैसा जीने का, पत्नी के साथ में कैसे जीने का, बच्चे के साथ में कैसे जीने का, बिजनेस कैसे करने का, रिटायरमेंट कैसे करने का, कि रिटायर करके किस तरह से जीने का है, फिर बाद में जो है बाद में कैसी लाइफ होनी चाहिए। प्रभु आप रिटायर होने के बाद में घर के अंदर कुछ 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 करेंगे तो वो लोग का सबको ऐसा लगे रिटायर क्यों, बाहर जाता है तो अच्छा था, लेकिन अगर तुम रिटायर होने के बाद में तुम्हारा लाइफ ही ऐसा फोकस करके देखते हो, पीपल गेट सो मच इंस्पायर्ड कि ये आदमी ने पूरा लाइफ का गोल समझ लिया है, वो लोग भी हैरान नहीं होते और दे विल गेट इंस्पिरेशन और पूरे सोसाइटी को इंस्पिरेशन मिलता है। उसके लिए जो है अभी से तैयारी करो। क्या क्या कंसेप्शन क्लियर किया है, क्योंकि आई एम एब्सोल्युटली आई कैन टेल यू प्रभु आई एम सो मच इंडेटेड। और क्या फोकस, गोल शुड बी वेरी क्लियर, जैसा मैंने बताया ना प्योर डिवोशनल सर्विस शुड बी वेरी गोल, नो कॉम्प्रोमाइज इन दैट, ऐसा मारा ने सिखा दिया है प्रभु जी। और जो मैं इतना रफ एंड टफ आदमी हूं ना प्रभु जी, वो रफ एंड टफ होने के बावजूद प्रभु जी वो जो सेंटिमेंट जो दिया है ना कि बराबर केयर करने का, किसका इमोशन और किसका सेंटिमेंट के साथ में नहीं खेलने का, प्रभु इट रियली हेल्प्स इन फैमिली लाइफ। हाँ तुमको हर एक हस्बैंड को मालूम है वाइफ की क्या वीकनेस है और वाइफ को मालूम है हस्बैंड की क्या वीकनेस है, अगर तुम वो उसके सेंटिमेंट और इमोशन के साथ में खेलोगे ना प्रभु, तुम्हारा घर के अंदर ही बड़ा महाभारत हो जाता है। लेकिन अगर उसी के तुम बराबर इसे मैच्योरिटी के साथ में काम करोगे ना, तो बराबर निकल जाएंगे, टाइम निकाल देंगे दोनों के, एक दूसरे को टॉलरेट करके टाइम निकालोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं है भाई, मैं हवा में तो नहीं बोल रहा हूं ना, सबको तो समझ में आ रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है हाउस होल्ड लाइफ के अंदर भाई। आज के दिन क्या होता है, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है तो उसको मालूम है, हस्बैंड को मालूम है वाइफ की क्या वीकनेस है और वाइफ को मालूम है हस्बैंड की क्या वीकनेस है, और अंदर से इतना गुस्सा होता है वो वीकनेस को ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तो वो झगड़ा का पूरा बड़ा रूप आ जाता है, और वो बड़ा रूप का जो है रिएक्शन इतना जबरदस्त आ जाता है कि वो मैटर छोटा हो जाता है लेकिन रूप बहुत बड़ा हो जाता है, और उसका फिर रिएक्शन इतना जबरदस्त निकलता है, उसके वजह से दोनों की स्पिरिचुअल लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। क्या क्या देखने का है प्रभु जी, ये कितना जरूरी है ये सब चीजें कृष्ण भावनामृत के अंदर। ऐसा नहीं खाली चैंटिंग डांसिंग बस फिस्टिंग बस हम लोग प्योर डिवोटी बनेंगे, ऐसा नहीं होता है प्रभु। इधर इधर जिया है तो ये समाज के साथ में रहना पड़ेगा, ये लाइफ के अंदर इस तरह से जीना पड़ेगा, जिससे जो है प्रभु यू यू हैव अ वेरी वेरी फोकस्ड कृष्णा कॉन्शियस लाइफ विद अ प्रॉपर मैच्योरिटी।
the proper maturity. आई विल नेवर फॉरगेट वन इंसिडेंट. बोल के जाओ कितना बचा है. बाप रे ठीक बोलता है तो. एक इंसिडेंट मेरे को हमेशा याद रहता है. मैंने एक कोई किसी ने बोला महाराज नाउ दिस पर्सन हैज टू टेक सन्यास. महाराज ने बोला क्यों. बहुत एडवांस हो गया है. वेरी ही हैज बिकम वेरी नाइसली एडवांस डिवोटी नाउ ही शुड टेक सन्यास. डू यू नो व्हाट महाराज हैज गिवन अ स्टेटमेंट. ऑफ कोर्स दैट डजंट मीन दैट इट हैज टू बी एवरी टाइम. बट उनको बराबर समझाने के लिए कि सन्यास की मैच्योरिटी क्या होती है. उन्होंने बोला ही कैन टेक सन्यास ओनली व्हेन हिज वाइफ अलाउज हिम टू टेक सन्यास. व्हेन हिज वाइफ इज कन्विंस्ड ही इज एब्सोल्युटली मैच्योर इन एवरी वे. एब्सोल्युटली मैच्योर इन एवरी वे. एंड हिज वाइफ इज ऑल्सो कन्विंस्ड कि नाउ आई कैन स्टे विदाउट माई हस्बैंड एंड ही शुड गो अहेड इन हिज कृष्णा कॉन्शियसनेस वेरी नाइसली. आई डोंट वॉन्ट टू बिकम एन इंपेडिमेंट. ही हैज डन हिज ऑल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी प्रॉपरली. देन ही कैन टेक सन्यास. प्रभु जी ये जो है ना ये कॉन्सियसनेस है ना. और वो व्यक्ति ने अगर ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर करके फिर उसकी वाइफ ने परमिशन दिया संन्यास लेने का. कैन यू इमेजिन उसका संन्यास कितना मैच्योर होता है. दुनिया में पूरा फटके झटके दुनिया देखने के बाद में ये कन्विक्शन आया कि कृष्णा कॉन्सियसनेस के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है. और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के बाद में निकला है. उसकी क्या मैच्योरिटी होती है. और वो मैच्योरिटी की वजह से जो है वो कृष्णा कॉन्सियसनेस की क्या डेप्थ आएगी. और फिर वो प्रीचिंग करने निकलेगा तो क्या उसको लोगों को जो जो उसके सामने बैठा हो गए प्रभु जी उसकी डेप्थ कितना ऊंची हो जाएगी. खाली इमेच्योरिटी घर में गड़बड़ है इसलिए निकल जाओ बस बस माया है माया है माया है. अरे माया है लेकिन उधर दूसरी तुम माया चालू कर देगा. तो तू तुम्हारा कन्विक्शन तो स्ट्रांग नहीं है मैच्योरिटी तो आई नहीं है. दैट डजंट मीन दैट दिस इज एप्लीकेबल फॉर एवरीबडी. बट महाराज इज मेड इट सो सीरियस टू मी. तो समझ में आ गया. बाप रे इधर फटके खाओ फटके खाने के बाद में सीख लो और सीखने के बाद में कन्विक्शन आ जावे और वो लोग को भी ऐसा लगे कि नहीं इसने बराबर रगड़ा है मेरे लिए भी इसको निकालो गए बस बहुत हो गया उसके. दिस मैच्योरिटी दिस इज मैच्योरिटी. तो प्रभु बहुत चीज हुआ. अभी नाउ आई विल स्पीक समथिंग विच फाइनली. हाँ फाइनली एक एक और पॉइंट भी था तो महाराज ने जो हम लोग वी ट्राई टू फॉलो ओवर हियर वेरी सीरियसली. महाराज इज वेरी क्लियर यू हैव टू हैव ए सेल्फलेस सर्विस. जब तक सेल्फलेस सर्विस नहीं होगा तब तक कोई भी डिवोटी या कृष्णा तुम्हारे से अट्रैक्ट नहीं होने वाला. जिन्यून सेल्फलेस सर्विस खाली देना ही है. मुझे तुम्हारे पास कोई भौतिक चीज की आशा नहीं है. ये राधानाथ महाराज का कंसेप्शन है. सब देते ही रहो. जब आप देते रहोगे ना तो प्रभु आपको समझ में आएगा लोग भी तुमको कितना देना चाहते हैं. पीपल ऑल्सो वॉन्ट्स टू गिव यू बिकॉज दे वॉन्टेड टू रेसिप्रोकेट द लव. यू विल बी ओवरवेल्ड प्रभु जी. यू विल बी ओवरवेल्ड. दिस इज वॉट द कंसेप्शन ऑफ राधानाथ स्वामी इज. जस्ट गिव जस्ट गिव. एंड आई एम वॉचिंग ओवर यूर इन अवर जूम. थोड़ा बहुत वी आर फॉलोइंग राधानाथ महाराज. प्रभु जी हाउ मच डिवोटीज आर हैप्पी विद दैट. When you just wanted to give, 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 give and not expecting anything in return, how much devotees are happy with that? और वो happiness उसका जपा के अंदर आता है और वो जपा की वजह से वो blissful ज्यादा होता है और वो blissful की वजह से वो fixed up ज्यादा हो जाता है और जितना ज्यादा ज्यादा fixed up होता है उसका कृष्णा कॉन्सियसनेस में मेच्योरिटी आ जाती है. समझ तो में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ. दिस इज वॉट इज कृष्णा कॉन्सियसनेस. दिस वॉट इज कृष्णा. फाइनली प्रभु जी नाउ दिस इज द वन इंसिडेंट नाउ विच आई विल बी रिवीलिंग टू यू. आफ्टर 35 ईयर्स आई एम स्पीकिंग नाउ. प्रभु जी मैं बोल रहा हूं. मैंने विचार किया मैं बोलू नहीं बोलू बोलू नहीं बोलू. फिर बाद में हो गया भी बहुत हो गया चलो बोल देता हूँ. दिस इज ओनली राधानाथ महाराज एंड टू थ्री ब्रह्मचारीज एंड राधा गोपीनाथ टेम्पल नोज इट. सो अभी मैं बोलता हूँ प्रभु. इट इज ओनली आई कैन टेल यू इट इज ओनली राधानाथ महाराज हु ब्रॉट मी इन टू इस्कॉन. अदरवाइज आई वुड हैव नेवर कम इन इस्कॉन. आई वॉज
मेरे वैसे भी मेरे घर के अंदर प्रभु सो मेनी साधुस एंड सो मेनी पीपल वर कमिंग टू माय हाउस एंड एवरीबॉडी वर सो मच नाइस विद फॉर मी एंड दे वर आल्सो वेरी हैप्पी. माय पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी. सो आई वाज एंड आई दे वर फीलिंग के बस इसी में उसको जिंदगी निकालना है. लेकिन ऐसा ही टोल यू प्रभु आई वॉज लेकिन मेरा लोई चुंब के जैसा मैं महाराज को अट्रैक्टेड होने लगा और वो महाराज के साथ में इतना अट्रैक्ट होने लगा था. फिर कौन से मेरे को इस्कॉन का इस्कॉन इस, मेरे को नहीं मेरे को महाप्रभु का प्रिंसिपल्स बहुत अट्रैक्टेड कर लिया. न धनम न जनम असली सेवा पारतरम ये यश ये जो है ना ये सब प्रिंसिपल्स मेरे को इतना अट्रैक्टेड कर लिया था कि यही सब कुछ है. आई वॉज गेटिंग टू मच अट्रैक्टेड और आई स्पेंडेड लॉट्स ऑफ टाइम स्टार्टेड स्पेंडिंग लॉट्स ऑफ टाइम. नाउ माई पेरेंट्स वेर वेरी डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ दैट के ये क्या कर रहा है इतना. हमारे कम्युनिटी उस समय आई थिंक 2 to 3 lakh पीपल वर देयर इन मुंबई एंड आई वॉज द वेरी हाइएस्ट क्वालिफाइड पर्सन इन दैट हमारा पूरी कम्युनिटी में. सो दे वेर हैविंग हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी. मेरे को बहुत उनका एक्सपेक्टेशन था मैं और उनको डर ही लगा कि ये चला जाएगा. चोटी ले लिया है चोटी बांध लिया है ये तिलक करने लगा है धोती कुर्ता में और रास्ते में नाचता है. वो उनको एब्जॉर्ब नहीं हो पाया एब्जॉर्ब नहीं हो पाया. सो देर आर मेनी पीपल आई विल नॉट मेंशन द नेम प्लीज डोंट टेल मी टू टेल द नेम बट आई विल टेल यू वेरी क्लियरली वन ऑफ द वेरी बिग पर्सन वेरी वेरी बिग पर्सन हु ही वॉज अवर फैमिली गुरु इन अवर हाउस एंड वॉट एवर ही सेज एवरीबडी इज टू फॉलो. वेरी फेमस वो जब भी प्रवचन देंगे तो मिनिमम 1 लाख लोग बैठते हैं उनके सामने. 1 lakh पीपल यूज टू सिट इन फ्रंट ऑफ हिम 1 लाख लोग बैठते थे एंड दैट पर्सन वॉज अवर फैमिली. जैसे हम लोग ही वॉज कंसिडरिंग एज अवर वेरी इंटीमेट रिलेशनशिप था उनके साथ. और वो व्यक्ति मेरे को सबसे ज्यादा प्रेम करता था मोर देन माई फादर ऑल्सो. आई नॉट मेंशन द नेम बट एवरी डे इन द मॉर्निंग व्हेन आई गिव माय ओबेसेंसेस टू प्रभुपाद आई रिमेंबर हिज फीट एंड आई गिव माय ओबेसेंसेस बिकॉज उन्होंने मुझे बहुत भक्ति में मदद किया. एक छोटा था तभी से जो है उन्होंने मुझे नर्चरिंग किया है कृष्ण कॉन्सियसनेस का किस तरह से हरि नाम लेना चाहिए ये फोकस करना ये सब ही हैज हेल्प मी आउट. तो प्रभु जी क्या हुआ कि मैं बहुत ज्यादा चलने लगा तो मेरे पिताजी को तो बहुत टेंशन आने लगा ये कुछ गड़बड़ कर देगा बिकॉज आई वॉज द ओनली सन. तो उन्होंने वो जो हमारे साधु थे मेन आदमी उनको जाकर के कंप्लेन कर दिया कि ये अभी ये हरे राम हरे कृष्ण के अंदर चला गया है और ये सब गड़बड़ कर रहा है. अभी टू बी वेरी फ्रैंक आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली प्रभु उस समय देर वर लॉट्स ऑफ प्रोपागेंडा लॉट्स ऑफ बैड न्यूज एंड समवेयर ट्रू ऑल्सो समवेयर ट्रू ऑल्सो वो सब पेपर में न्यूज में सब जगह पे आता था कि सब वहां पे गड़बड़ हो रहा है इस्कॉन के अंदर फॉरेन बॉडी थी ये सब सब दूसरे सब चीज कर रहे हैं ऐसा सब चीज आया था. सो माय फादर वाज आल्सो डिस्टर्ब एंड व्हेन ही केम टू नो वो साधु को समझ में आ गया कि ये गड़बड़ हुआ है एंड टू सम एक्सटेंट इट वॉज राइट ऑल्सो टू सम एक्सटेंट. उन्होंने मुझे पूछा कि आप क्यों जा रहे हो उधर तो हमारे पास क्या कम है क्या ये सब हमारा ही सब है ये तो हमारे तो वो कॉपी कर रहे हैं क्यों उधर जा रहे हो. मैंने बोला कि मेरे को कुछ समझ में आता है मेरे को एक अट्रैक्शन आ रहा है आई गेट सो मच अट्रैक्टेड ओवर देयर. मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्यों अट्रैक्टेड लेकिन मुझे मुझे बहुत अट्रैक्शन आ रहा है खास करके चैतन्य महाप्रभु के इंस्ट्रक्शन और वो सब शिष्टाष्टकम और वो सब चीज से. तो फिर भी देवर डिस्टर्ब के बिल्कुल लग रहा था कि ये सब चीज क्यों हो रहा है बट आई वॉज वेरी आई कुड नॉट गिव एनी मैंने उनको बताया कि मेरे को ये सब हो रहा है लेकिन दे वर नॉट एबल टू बी कन्विंस विद दैट. फाइनली प्रभु जी नाउ प्लीज रिमेंबर प्रभु ही हैज आई एम सो इंडेटेड टू हिम ही हैज रियली हेल्प मी एंड ही लव्ड मी सो मच एंड माई फादर वॉज ऑल्सो वेरी क्लियर अबाउट इट कि ही शुड बी वेरी नॉर्मल इधर हमारे साथ में रहना चाहिए ये सब चीज में मत जाना. तो प्रभु उन्होंने एक वाक्य बोल दिया मुझे मैं मेरे पिताजी और हम 3 लोग ही बैठे थे रात के टाइम था और उन्होंने मुझे बोल दिया कि
मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू वहां पे जाएगा तो तेरा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं होने वाला है। दिस इज माई कर्स टू यू, ये ब्राह्मण का कर्ज है। अभी प्रभु वॉज सो एंग्री ऑन बिकॉज यू लव्ड मी सो मच, यू लव्ड मी सो मच प्रभु जी, एंड आई नो इट फ्रॉम अ चाइल्डहुड इटसेल्फ ही नर्चर्ड मी। ये मेरा प्रॉब्लम क्या हो गया है प्रभु जी, मेरे को इसका इधर से अट्रैक्शन था, मेरे को इतना सुंदर सुबह में ये लोग जपा करते हैं, इतना सुंदर कृष्ण कॉन्शियसनेस फिलोसफी एडोप्ट करते हैं, एवरीथिंग इज बिलोंगिंग टू कृष्णा, कृष्णा को ही बीच में रख करके सेवा करना है, सब जो कुछ भी है कृष्णा के लिए है, ये सब चीज मुझे बहुत अट्रैक्ट करने लगा। ऑफ कोर्स दैट डजंट मीन दे वर नॉट हैविंग इट, बट इतना फोकस करके इतने भी बराबर इतने क्या है। इस्कॉन में एक चीज बहुत अच्छा है, वेरी डिसिप्लिन लाइफ आप जी सकते हो अगर आपको डिसिप्लिन लाइफ जीने का है, तो दूसरी जगह पे इतना डिसिप्लिन नहीं है प्रभु जी। रोज सुबह में मंगल आरती मॉर्निंग प्रोग्राम फॉलो कर लेने का, इतना जपा करने का, आइडियल सुबह में कर लेने का, फ्री टाइम में रीडिंग करने का, ये सब एकदम डिसिप्लिन लाइफ दूसरी जगह पे ऐसे मैंने दिखाई नहीं दिया मुझे। एंड ही कर्स्ड मी, ऐसा कर्स हो आया, वॉज वेरी एंग्री। एंड देन माई फादर, वी बोथ ऑफ देम लेफ्ट, देन माई फादर टोल्ड मी देखो अभी इनको ये कर्स मिला है। नाउ माई फादर वॉज अ वेरी नाइस पर्सन, फिर भी मैं अट्रैक्टेड उधर ही जाते जा रहा था मेरे को, और मैं बहुत परप्लेक्स था, मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा था। आई हैव टू टेल यू प्रभु, टिल द टाइम ही वॉज इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, ही वॉज देयर इन दिस अर्थली प्लेनेट, टिल दैट टाइम आई डिडंट टुक दैट रिस्क ऑफ गोइंग टू इस्कॉन बिकॉज आई वॉज सो इंडेटेड टू हिम, आई वॉज सो इंडेटेड टू हिम, आई कुड नॉट, आई वॉज गोइंग डूइंग समथिंग बट आई आई डिडंट कमिटेड माई सेल्फ, ऐसा कमिटमेंट और ऐसा कुछ भी नहीं किया था। ही लेफ्ट हिज बॉडी, आई वॉज देन इन फ्रंट ऑफ हिम, मैनी वॉज वेन ही लेफ्ट हिज बॉडी ऑल्सो, आई वॉज कंप्लीटली नेक्स्ट टू हिम एंड ही वॉज देयर, ही लेफ्ट हिज बॉडी। फिर बाद में जो है प्रभु जी वो अट्रैक्शन वैसे ही रहते रहा रहते रहा। आई स्टार्टेड अगेन गोइंग टू इस्कॉन एंड माई फादर वॉज वेरी एंग्री ऑन दैट, माई फादर वॉज वेरी क्लियर, ही सेड, माई फादर वॉज वेरी क्लियर, तुमको उन्होंने कर्ज दिया है फिर तुम क्यों जाते हो, उनको मालूम है तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा। एंड ही आई कंसिडर हिम एज अ प्योर डिवोटी, द प्योर डिवोटी, और वो तुमने को कर्ज दिया है, वो कैसा उधर, ये मैं बोलू क्या ना बोलू यार, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है, आई शुड स्पीक ऑल दिस थिंग्स और नॉट, बिकॉज आई डोंट नो वेदर दिस इज दिस विल हेल्प यू और इन योर कृष्ण कॉन्शियसनेस और नॉट। सो विपुल व्हाट शुड आई डू, तो जी प्लीज कीप ऑन स्पीकिंग। यू आर माई अथॉरिटी हाँ प्रभु जी, आई डोंट नो व्हाट शुड आई, दिस आई एम स्पीकिंग आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ माई कृष्ण कॉन्शियसनेस, आई हैव नॉट स्पोकन टू एनी टाइम बिफोर। सो नाउ द थिंग वॉज दिस वे प्रभु, आई अगेन स्टार्टेड गेटिंग वेरी मच अट्रैक्टेड टू इस्कॉन, एंड माई फादर वॉज अ वेरी वंडरफुल डिवोटी, वेरी वंडरफुल, बट ही वॉज गिविंग मी ओनली वन थिंग, जब इन्होंने तुमको कर्ज किया है तुम कैसे जा सकता है, तुम्हारा लाइफ का क्या होगा, ये शुद्ध भक्त है, तुम्हारा फ्यूचर पूरा बर्बाद हो जाएगा इधर तुम जाएगा, और अपने पास कहाँ कम है, पूरी दुनिया के लोग हमारे पास आ रहे हैं, पूरे भारत के, उस समय दुनिया नहीं भारत के लोग आ रहे हैं, तुम फॉलो करो, और ये हमारे पास इतने बड़ा आदमी हमारे साथ में, क्या अभी करने की गरज है। लेकिन मेरा वो अट्रैक्शन जा ही नहीं रहा था प्रभु, क्या पता है मुझे वो खींचे ही जा रहा था, खींचे ही जा रहा था, और बिकॉज ही वॉज नो मोर, मेरे को थोड़ा ओपन फील्ड हो गया, मुझे अभी कोई बोलने वाला नहीं था, नो डाउट माई फादर वॉज देयर, लेकिन उनका वेटेज मेरे पिताजी के सामने, मेरा उनका वेटेज तो बहुत ऊंचा था ना, वो अगर मेरे को बोलते तो मैं नहीं जा सकता था, लेकिन बिकॉज ही वॉज नॉट देयर आई अगेन स्टार्टेड गोइंग द टेम्पल एंड आई स्टार्टेड गोइंग मोर एंड मोर। तो डेफिनेटली महाराज वॉज लविंग मी वेरी मच, इन बिटवीन आई वॉज नॉट गोइंग बिकॉज ही टोल्ड ही गेव मी द कर्स, मैंने जाने का मन किया, फिर बाद में वापस आने लगा, तो महाराज वॉज लविंग मी एज यूजुअल बिकॉज ही वॉज रियली, महाराज केयर फॉर मी सो मच,
बट आई वॉज वेरी डिस्टर्ब, आई वॉज वेरी डिस्टर्ब, आई स्टिल रिमेंबर वन डे प्रभु जी वन, एक इंसिडेंट ऐसा भी बना था, महाराज वॉज नोइंग दैट आई एम वेरी डिस्टर्ब। एक बार महाराज यूएस से आए थे और सब डिवोटी उनके रूम में बैठे थे और मैं भी गया उधर। जब गया तो उन्होंने मेरा फेस देखा के बहुत दुखी हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, एक बाजू में अट्रैक्ट भी हो रहा हूँ और एक बाजू मुझे डर भी लग रहा है कि मैं कुछ होती तो सेंटिमेंट तो नहीं आ रहा मेरा, तो बहुत फंस गया था, मेरे को समझ ही नहीं आया था मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए इसमें, मुझे रहना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो आदमी के प्रति, वो व्यक्ति के प्रति मेरे को बहुत रिस्पेक्ट है। आई कैन टेल यू प्रभु, आज सुबह में भी जब भी मैं मंदिर जाऊंगा सुबह में मेरे ड्यूटीज को भी उठाऊंगा, आई रिमेम्बर हिज फीट एंड आई यूज्ड टू बो डाउन टू हिम बिकॉज आई ऑलवेज कंसिडर हिम, यू आर माई शिक्षा गुरु, तुमने ही मेरे को कृष्ण भक्ति में लाया, आई एम सो मच इंडेटेड टू हिम। तो अभी मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर जो है प्रभु महाराज, हाँ वो इंसिडेंट जब महाराज जब मैं आए थे, तो मैं आया उधर महाराज के, सब पूरा रूम पैक था, सब सब डिवोटी बैठे थे और मैं आया, महाराज ने मेरे को बाजू में बिठाया और महाराज मेरे को देख रहे थे, क्या वो सो परप्लेक्स, इतना डिस्टर्ब हूँ, मुझे मालूम नहीं मुझे क्या करना है। तो महाराज ने मेरा हाथ पकड़ करके बोला के गड़बड़ है ना, तो मैंने हाँ बोला के गड़बड़ है। तो महाराज को मालूम था कि अभी ये इसको कैसे बात करूंगा, तो महाराज ने वहां उस समय भी जो है जस्ट टू टेक केयर ऑफ मी, महाराज ने उस समय सब डिवोटी को बोला, तकरीबन 40 से 50 डिवोटी थे, सबको बोला कि तुम सब लोग रूम के बाहर चले जाओ, मेरे को ये अशोक पारे के साथ में बैठने का है, मुझे इसके साथ में बैठना है। सब लोग हिल गए, अरे ये तो बच्चू लड़का अभी आया है, ये क्या कर रहा है। एवरीबडी हैड टू गो आउट बिकॉज महाराज सर, फिर महाराज बोले कि अभी चलो दरवाजा बंद करो, बोलो तुम्हारे माइंड में क्या है, क्या चल रहा है। मैं तो बहुत दुखी हूँ महाराज, मेरे को लगता है मुझे क्या करना है, समझ में नहीं आ रहा है, मैं ऐसा अट्रैक्ट हो रहा हूँ लेकिन ये सब चीज हुआ है मेरे लाइफ में, इधर आऊंगा और कुछ गड़बड़ हो गया तो मेरी कृष्ण भक्ति का क्या होगा, नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन माई डिवोशनल लाइफ, मुझे समझ में नहीं आता मुझे क्या करना चाहिए। डू यू नो वॉट महाराज, फादर ऑफ महाराज टोल्ड मी, वो भी उनको भी, वो भी पहचानते हैं वो व्यक्ति को और उनको भी मालूम था कि दे आर अवर फैमिली गुरुज एंड दे लव मी सो मच एंड दैट्स व्हाई ही जस्ट स्पोकन दिस थिंग्स फॉर मी एंड ही वाज वेरी सीरियस अबाउट इट व्हेन ही स्पोक दिस वे, तो ही न्यू इट वेरी, महाराज राधानाथ महाराज न्यू इट वेरी क्लियरली। तो एट दैट टाइम महाराज टोल्ड मी, गिव मी 1 or 2 days टू थिंक इट ओवर, व्हाट शुड यू डू, आई विल नॉट बी एबल टू गिव यू रिप्लाई सो फास्ट। तो महाराज यू टेल मी, मेरे को कुछ गड़बड़ नहीं करना है, मैं नहीं आऊंगा इधर, लेकिन मेरे को ऐसा कुछ नहीं करना है कि मेरे को ये सब गड़बड़ हो जा रहे मेरी भक्ति में, मेरे को कृष्ण, मेरे को भक्ति करना है। महाराज टेल, महाराज टोल मी जस्ट वेट फॉर सम टाइम, लेट मी थिंक इट ओवर वेरी सीरियसली एंड देन आई टेल यू। एक या 2 दिन के बाद मैं वापस में गया रोज बस छुपी छुपी जाता था मैं, माई पेरेंट्स वर नॉट नोइंग इट अदरवाइज बिकॉज आई वॉज बेसिकली क्या है, मैं थोड़ा पढ़ा लिखा ज्यादा था ना और थोड़ा इंडिपेंडेंस भी था, तो वो सब मेरा, मैं जा रहा था वहां पे, किसी को पता नहीं रहता था मैं जाता था, और फिर मैं जाकर के महाराज को बोला कि महाराज मैं अभी, महाराज बोला कि अभी क्या, क्योंकि तो महाराज ने बोला मैंने बहुत विचार किया इसके बारे में क्या करना चाहिए अभी, महाराज गिव ए ब्यूटिफुल रिप्लाई टू मी एंड आई कैन टेल यू वेरी फ्रेंकली प्रभु, ओनली बिकॉज ऑफ दैट रिप्लाई आई एम इन इस्कॉन, अदरवाइज आई वुड नेवर बीन इन दिस कॉल, आई वुड हैव बीन गॉन अवे। मैं 30 साल के बाद में बोल रहा हूँ आपको जो है महाराज टोल्ड मी वेरी क्लियरली, या ही इज अ ग्रेट स्टोन एंड व्हेन ही हैज पुट कर्स ऑन यू इट विल डेफिनेटली बी एप्लीकेबल। तो ठीक है महाराज, देन आई एम नॉट गोइंग टू कम नाउ, अभी नहीं आऊंगा यहाँ पे, अभी कैसे आ सकता हूँ इधर में। एंड महाराज सेड वन मोर थिंग, अवर गौड़ीय संप्रदाय, अवर महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय एंड अवर प्रभुपाद इज कॉन, दे गिव ओनली एम्फेसिस ऑन ओनली वन थिंग, ऑफकोर्स इन प्रीचिंग वी हैव टू डू मेनी अदर थिंग्स टू कल्टिवेट पीपल, सबको कल्टीवेट करने के लिए वी डू हैव मेनी अदर थिंग्स, बट अवर गोल इज वेरी क्लियर एंड गॉडी ऑल्सो हैज द गोल वेरी क्लियर एंड द गोल इज प्योर डिवोशनल सर्विस, नथिंग एल्स, न धनम न जनम न सुंदरीन कविता मा जगदीश कामे
मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवता भक्ति अहेतुकितैः अनमोटिवेटेड अनइंटरप्टेड डिवोशनल सर्विस अस्तुष्य वा पादतम पिनाश्य माम कृष्णा यू एम्ब्रेस मी और यू किक मी आउट आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू आई एम योर सरेंडर्ड सोल अनकंडीशनली दिस इज गौड़ीय संप्रदाय दिस इज वॉट इज इस्कॉन और महाप्रभु इज गिविंग दिस इज वॉट प्रभुपाद इज गिविंग महाराज टोल मी इफ यू वॉन्टेड टू बी हैविंग ओनली दिस फोकस इन योर लाइफ दिस इज योर ओनली फोकस इन योर लाइफ दैट यू आर कमिंग हियर ओनली फॉर प्योर डिवोशनल सर्विस एंड नथिंग एल्स देन बिकॉज दिस इज द हाइएस्ट इन मटेरियल वर्ल्ड दिस इज द हाइएस्ट देर इज नथिंग हायर देन दिस इफ यू हैव ओनली दिस फोकस इन योर लाइफ देन महाप्रभु एंड प्रभुपाद मर्सी विल मिटिगेट दिस कर्स एंड इफ यू हैव एनीथिंग एल्स अदर देन दिस इफ यू कम ओवर हियर देन इट कुड बी दैट द कर्स कैन बी एप्लीकेबल सो द चॉइस इज योर्स वॉट यू वॉन्टेड टू डू ओवर हियर तुमको इधर आकर के क्या करना है इफ यू आर कमिंग ओनली फॉर प्योर डिवोशनल सर्विस एंड यू डोंट हैव एनी अदर मोटिव इन ओवर हियर देन महाप्रभु एंड प्रभुपाद विल टेक केयर ऑफ यू इफ यू हैव एनीथिंग एल्स देन एवरीथिंग विल बिकम अ मैस इन योर लाइफ यू टेक ए कॉल तो प्रभु जिस समझ में आ गया है कि अगर मुझे इधर रहना है तो मुझे तो सिर्फ यही चाहिए अभी ना धनम ना जनम ना सुंदरी इसलिए मेरे लिए कोई होप नहीं है अभी असली सेवा पादर तब पिना शिमा उतना ये कोई होप नहीं है बर्बाद हो जाऊंगा क्या पाया फिर ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ को पाया क्या मैंने फिर भरत ने मेरा हाथ पकड़ करके बोला दिस इज गुड फॉर यू दिस इज गुड फॉर यू क्यों बोला क्यों महाराज वाय यू विल नॉट बी डिविएटेड इन एनी वे नॉट बी डिविएटेड एंड दिस इज वॉट महाप्रभु वॉन्ट्स टू गिव अस ठीक है इन अवर प्रीचिंग वी हैव टू कल्टीवेट एवरीबडी सबको कल्टीवेट करके हमको आगे लेके जाने का बट द गोल इज दैट एंड बिकॉज दिस थिंग हैज कम इन योर लाइफ यू विल बी कंप्लीटली फोकस इन योर गोल कंप्लीटली फोकस ऑन योर गोल एंड ड्यू टू दैट रीजन महाप्रभु एंड प्रभुपाद एंड अवर परंपरास मर्सी विल फ्लो इन योर लाइफ प्रभु मैंने महाराज को बोला महाराज मेरा तो कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है इतना ऊंचा ऊंचा विचार करने का मेरे कोई बड़ी स्टैंडर्ड ही नहीं है वो सब इतना इतना हाई स्टैंडर्ड का विचार करने का प्योर डिवोशनल सर्विस मेरे को तो समझ में ही नहीं आता प्योर डिवोशनल सर्विस क्या है महाराज सेड डोंट गेट अट्रैक्टेड फॉर एनीथिंग एल्स इन कृष्णा कॉन्सियसनेस मेरे को अच्छा घर मिले अच्छा रुपया मिले अच्छा पत्नी मिले अच्छा बच्चा मिले अच्छा पोजिशन मिले अच्छा पावर मिले अगर ये आएगा तुम्हारे लाइफ के अंदर तो तुम्हारा गड़बड़ चालू हो जाएगा और अगर ये नहीं है और खाली शुद्ध भक्ति है तो तुम ब्लिसफुल रहेंगे कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर तो प्रभु ये 35 साल पहले ये सब इंसिडेंट्स बने थे 33 35 साल आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट डेट 33 35 साल पहले ये इंसिडेंट बना था तो फिर मैंने बहुत विचार किया उसके बारे में कि अभी क्या करना है तो मैंने एक ही विचार किया प्रभु कि ये इच्छा ये सबसे ऊंची चीज तो यही है ठीक है अरे सो सबसे ऊंची चीज तो यही है और मुझे मुझे यही चीज प्राप्त करने के लिए बोल रहा है दूसरी कोई भी चीज रहेगी तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी
आइडियल थिंग इन कृष्णा कॉन्सियसनेस, सबसे आइडियल तो यही है. और बिकॉज कृष्णा इज गिविंग मी दिस ऑप्शन इटसेल्फ दैट आई हैव टू फोकस ओनली ऑन दैट, दिस इज गुड फॉर मी. और मुझे क्या लगा प्रभु जी, यहाँ पे ऐसा प्लेटफॉर्म बने बन सकता है कि जहां पे शुद्ध भक्ति सबसे प्रायोरिटी थी, दूसरी जगह पे ऐसा वो स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा. तो यू नीड दैट टाइप ऑफ ए डिवोटी, यू नीड दैट टाइप ऑफ एटमोस्फियर, यू नीड दैट टाइप ऑफ ए प्लेटफॉर्म, यू नीड दैट टाइप ऑफ ए प्रोसेस वेयर पीपल एंकरेज यू. वो यहाँ पे मिल रहा था बिकॉज आई वॉज गेटिंग दैट थिंग. फिर मैंने राधानाथ महाराज को बोला, महाराज आई फील इट, यू टेक केयर ऑफ मी, आप मेरा संभाल लेना, मुझे आप मुझे संभालना, मैं नहीं कर पाऊंगा ये, आप मुझे संभालना, मैं यही टिका रहा हूँ इसमें, यही मेरा फोकस रहे, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा. लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली, माई फादर वॉज सच ए वंडरफुल पर्सन. ही कंप्लीटली वॉज एंग्री ओनली बिकॉज ऑफ वन रीजन, कि बिकॉज आई एम गोइंग अवे, ऑल दो सच ए इंपॉर्टेंट पर्सन हैज कर्स मी, देन ऑल्सो आई एम गोइंग, दैट्स व्हाई ही सेड ही इज गोइंग फॉर हिज डिस्ट्रक्शन इटसेल्फ, एंड बिकॉज ही इज गोइंग फॉर हिज डिस्ट्रक्शन आई डोंट वॉन्ट टू सपोर्ट हिम. दैट वॉज द मेन रीजन विच आई नेवर यूज टू स्पीक सो मच. तो प्रभु जी आई टूक दैट चैलेंज देन. आई हैव टू टेल यू वेरी फ्रेंकली प्रभु, आई एम नॉट रीच टू दैट प्लेटफॉर्म, आई एम नॉट रीच. योर डिवोशनल सर्विस इज वेरी हाई, इट्स टू हाई. मैंने महाराज को बोला भी कि मेरी नीच नहीं, आई एम नॉट रीच टू दैट लेवल. महाराज टोल्ड मी वेरी क्लियरली, द गोल शुड बी दैट एंड यू आर रियली स्ट्राइविंग ओनली फॉर दैट, दैट शुड बी वेरी क्लियर. इफ यू डाइवर्ट हियर एंड देयर, इट विल क्रिएट अ बिग डिस्ट्रक्शन. प्रभु टुडे इज राधानाथ महाराज, आई कैन टेल यू वेरी फ्रेंकली प्रभु, इफ दिस एडवाइस वॉज नॉट बीन गिवन टू मी बाय राधानाथ स्वामी ऑन बिफोर 33 34 ईयर्स बिफोर, आई वुड नॉट बी विथ ऑल ऑफ यू, आई वुड नॉट बी विथ ऑल ऑफ यू. आप लोग के साथ में नहीं रहता था, मैं दूसरी जगह पे होता था, बिकॉज आई वॉज वेरी मच अफ्रेड. ना प्रभु जी, टेल मी, लेट मी टेल यू, सच ए बिग पर्सन and such a big person loved me so much, and when he has taken this decision for me, it is definitely going to be applicable in my life. So it's only Radhanath Swami who has given me that path that I can be in ISKCON, I can be with all of you, I can maintain my Krishna consciousness, and I can aspire only for pure devotional service. तो मेरा भी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोग सब लोग को, मेरा ध्यान रखना भाई, किधर मैं डिविएट ना हो जाऊं. अभी भले अंदर की वासना है, अपना का अनर्थ है, अनर्थ है, लेकिन वो हमेशा याद रखता है कि ये सब चीज जो है इसके लिए कृष्ण कॉन्सियसनेस में नहीं आया हूं, यहाँ पे सिर्फ शुद्ध भक्ति के लिए आया हूं, यहाँ पे सिर्फ मुझे कृष्णा ही चाहिए, न धनम न जन्म न सुंदरी, मेरे को कुछ नहीं चाहिए. ठीक है, अंदर की वासना है, अंदर के अनर्थ है, लेकिन मेरे को कृष्णा को कन्विंस करना है कि मैं उसको जो है, ये मेरे को हैरान करते हैं, लेकिन मैं उसको सपोर्ट नहीं करना चाहता हूं. और जगह मैं मेरे अनर्थ मेरे को खींचे जाऊंगा कभी भी, तो खींचे जाने के वक्त पे जो है मैं कृष्णा के सामने याचना करके बोलूंगा कि मुझे नहीं करना है, लेकिन मेरे मेरी कंडीशनिंग की वजह से जा रहा हूं, लेकिन मैं तुमको बताना चाहता हूँ, कन्विंस करना चाहता हूँ कि मुझे वो नहीं चाहिए. अगर ये भी रहेगा तो भी तुम कृष्णा को बता रहे हैं कि तुमको चाहिए ऊंची चीज, लेकिन तुमको तुम्हारी कंडीशनिंग अलाउ नहीं कर रही है, और तुम पूरी तरह से कोशिश करते हो उधर से बाहर निकलने के लिए. ऑल दो देन यू हैव नॉट रीच टू दैट लेवल, स्टिल कृष्णा विल नॉट डिस्कार्ड यू. दिस इज वॉट इज राधानाथ स्वामी. Can you imagine how much I'm indebted to him? All these incidents, Prabhuji, so much I'm indebted to him. I can't even imagine, Prabhuji, अगर ये व्यक्ति मेरे लाइफ में नहीं होता था तो मैं किधर एक सटोड़िया के लड़कों के साथ में रहता था.
It is impossible, take my words for it is impossible to be in the stock exchange and that too, fifth in Bombay Stock Exchange, a partner in that firm, and that too not done a single transaction or speculation. कैसे पॉसिबल है? ये व्यक्ति की कृपा की वजह से मैं अटक गया हूँ, मैं बच गया हूँ प्रभु, वरना मैं नहीं कर पाता था। ये व्यक्ति की वजह से मैं इधर हूँ, ये व्यक्ति की वजह से जो है मैंने सब बराबर इसे प्लानिंग कर पाया हूँ, और ये व्यक्ति की वजह से मैं आज के दिन थोड़ा बहुत जो कुछ भी, आई कैन टेल यू प्रभु आई एम वेरी ब्लिसफुल, दिस ऑल बिकॉज ऑफ राधानाथ स्वामी, और विकास करता है सर। तो कैन इमेजिन प्रभु जी, क्या मुझे लगता है कि कृष्णा नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन महाराज मेरे से उससे नहीं होना चाहिए, ये तो मेरे लिए तो यही आदमी है, यही व्यक्ति ने मेरे को बचाया है, यही व्यक्ति ने मुझे सुधारा है, सुधरा नहीं वो बात अलग है पूरा लेकिन ठिकाने तो रखा है, ठिकाने तो बस इंडेटेड टू। तो प्रभु नाउ एवरी गुरु के सब लोग, दूसरे सब गुरु पे भी सब लोग का होगा ना इंटरेक्शन, मेरा ऐसा है तो प्रभु फॉर मी तो इट्स वेरी क्लियर, जीना भी इनके साथ में, मरना भी इनके साथ में ही है, कुछ मेरे लाइफ में दूसरा कोई है ही नहीं, एवरीथिंग इज ओनली बिकॉज ऑफ हिम। आई थिंक आई हैव स्पोकन मोर देन 2 आवर्स नाउ, तो प्रभु नाउ टुडे आज इतना मैं आप लोग के साथ में बैठा हूं, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु, रियली आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माई हार्ट टुडे राइट नाउ, आप एक प्रार्थना करना मेरा मेरे लिए, दैट माय गुरु शुड नॉट गेट एनी वे इन एनी सर्कमस्टेंसेस, ही शुड नॉट फील इट दैट आई हैव नॉट गिवन प्रॉपर जस्टिस टू हिम व्हाट ही हैज रेसिप्रोकेटेड टू मी, Please, you should pray for me today. This is the way you can show your love for me. And second thing is, you have to check it and you have to prove every time to me that I don't get deviated anywhere. तो मेरा पतन होने वाला है, पक्का पतन होने वाला है, मैं किधर जाऊंगा? मेरे पिताजी को भी जस्टिस नहीं दे पाया, मेरी माँ को भी जस्टिस नहीं दे पाया, जो मेरा उधर का जो वहां का जो मेन पर्सन था, जो मेरा पूरा फैमिली को मेंटेन करता था और पूरा जस्टिस स्पिरिचुअल लाइफ को देता था, उसको भी जस्टिस नहीं दे पाया। अगर मैंने प्योर डिवोशनल सर्विस को फोकस नहीं रखा तो सो प्रभु यू हैव टू टेक अप माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं किधर भी गड़बड़ ना करूं, कृष्णा कॉन्शियसनेस को इतना फोकस करके रखू, यही सब कुछ है मेरा, और ये सब चीज जो कुछ भी कृष्ण ने दिया है वो उसकी सेवा के लिए ही है, मुझे उसमें से मजा मस्ती नहीं करने का है, मुझे कहां पर भी किधर भी गड़बड़ नहीं करना है, आई हैव टू बी कंप्लीटली सोल्ड आउट, यू हैव टू टेक केयर ऑफ मी बिकॉज माया इज वेरी स्ट्रॉन्ग, एनी टाइम एनीथिंग कैन गो रॉन्ग, एनीथिंग कैन गो रॉन्ग, और थोड़ा भी डिविएट हुआ तो सीधा उसका असर होगा, एवरीबडी विल प्रे फॉर मी नो एंड एवरीबडी विल टेक केयर ऑफ यू मी नो, सब लोग बोलो हाँ भाई, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, इधर कुछ है ही नहीं मेरे लिए लाइफ में, प्लीज प्रे फॉर मी एंड टेक केयर ऑफ मी दैट आई डोंट गेट डिविएटेड एनी वे, अगर कुछ हो गया तो किधर का भी नहीं रहने वाला, माई वाइफ ऑल्सो डजेंट नो ऑल दिस थिंग्स, आई थिंक नाउ शी विल कम टू नो, थोड़ा बहुत इसको मालूम होगा लेकिन अभी इतना सब नहीं पता है, ओनली रज बिहारी प्रभु एंड बलदेव प्रभु, टू थ्री ब्रह्मचारीज आर नोइंग इट एंड डेफिनेटली राधानाथ स्वामी, सो हिस्ट्री फॉर मी प्रभु, एंड टुडे इज राधानाथ महाराज का बर्थडे है, बर्थडे नहीं व्यास पूजा है, तो प्लीज प्रे फॉर मी दैट मेरा अटैचमेंट उनके साथ में दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाना चाहिए, इस हर एक व्यक्ति को अपने गुरु के साथ में ऐसे बढ़ते जाना चाहिए, कृष्णा से अटैचमेंट कम होगा तो चलेगा लेकिन राधानाथ महाराज के साथ में होना चाहिए, बिकॉज राधानाथ महाराज ही मेरे को कृष्णा के पास लेके जाने वाले, बी सो क्लियर,
so much indebted to him. सब चीज कर उन्होंने दिया है. आई डोंट नो, आई हैव टोल्ड यू दैट पास्ट टाइम ऑल्सो, वेयर महाराज वॉज गोइंग टू कम एंड स्टे एट माई हाउस. मैं पूरा फ्लैट बैट सब बेच दे चला जाने वाला था, और क्योंकि बहुत नुकसान हो गया था, वो बहुत ब्लास्टिंग हुआ था स्टॉक एक्सचेंज में, सो सब चला जाने वाला था. महाराज ने डिसाइडेड दैट ही विल कम एंड स्टे एट माय हाउस. तो जिस जो व्यक्ति को मैंने बेचा था, वो व्यक्ति को अगर जब भी वो लेने को आएगा पोजीशन फ्लैट का, तब महाराज बोलने वाले थे ये दोनों मेरे डिसाइपल हैं और मैं उसका गुरु हूँ. गुरु का मतलब ये है कि उसने सब चीज, उसको डिसाइपल ने गुरु को सब दे दिया है. तो ये फ्लैट जो है भले उसके नाम पे है, लेकिन है हकीकत में मेरे नाम पे है, और मैं तुमको फ्लैट नहीं देना चाहता हूँ, और उसके लिए मैं इधर रहने को आ गया. आई एम गोइंग टू स्टे ओवर हियर, दिस इज द वे हैज टेकन केयर ऑफ मी. हाउ आई कैन, मैं क्या करूं प्रभु जी. ऐसा बोलते हैं ना कि हमारा शरीर ना जैसे शरीर की चामड़ी नु तमें बधू आपी दई है ना, तो पर तुम्हारे साथ फुलफिल ना करी सके. दिस इज द व्हाट आई हैव. आई कांट इवन ड्रीम इन माई लाइफ दैट वॉट विल बी माई लाइफ विदाउट राधानाथ स्वामी. सो आई एम सो इंडेटेड प्रभु, एंड आई एम इंडेटेड टू यू ऑल्सो. वाई? इट इज वेरी क्लियर, बिकॉज ऑफ हिम आई गॉट यू. इफ यू वुड हैव नॉट टोल्ड मी टू कम एंड ज्वाइन ओवर हियर, आई वुड हैव नॉट बीन बी विथ ऑल ऑफ यू. कितना अच्छा लगता है मुझे, तो आपको पालू नहीं है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है. सुबह के टाइम पे अच्छा जपा करना आप लोग के साथ में, अच्छा भक्ति करना, अच्छा कृष्णा कॉन्शियसनेस फोकस रखना, और कुछ दूसरी चीज नहीं चाहिए हमको. हमको एक दूसरे को प्रोत्साहन देना है और वैष्णव की सेवा करनी सेल्फलेसली, बस दैट्स ऑल. कितना आनंद आता है. आई डोंट नो आपको आ रहा है कि नहीं, मेरे को, मुझे तो बहुत आ रहा है. और मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज ओनली बिकॉज महाराज इज टेकिंग केयर ऑफ मी, एंड दिस इज महाराज मर्सी इन माई लाइफ. ठीक है, आई थिंक प्रभु जी आई शुड एंड इट नाउ, इट्स गेटिंग टू लेट, इट्स ऑलरेडी 10:43. विपुल प्रभु, व्हाट इज योर इंस्ट्रक्शन नाउ? Roji, it is late. I think we can close. ओके, नाउ विल क्लोज इट आउट, एंड बिकॉज प्रभु जी इज गिविंग मी एन इंस्ट्रक्शन, सो विल क्लोज इट, बिकॉज मेनी डिवोटीज माइट बी वॉन्टेड टू गो टू जीवी, सो आई डोंट वॉन्ट टू डिस्टर्ब देयर लाइफ ऑल्सो, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर गोइंग टू गो. Please pray for me over there. I can be a committed disciple of him. Okay, Prabhu, we'll end it right now. Vancha kalpa taruvesha kripa sindhu vahevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo nama anant koti vaishnav vrind ki jai. Jai Srila Prabhupada, Jai Shri Guru Maharaj, Jai Shri anant koti vaishnav vrind. Vipul Prabhu, I have not seen any of the comments. Please send me all those comments in my this thing. Okay, Vipul? Yes, Prabhuji. Please send it to me. Okay, Prabhu, we'll end it right now. We'll meet next week. Huh? Next week, I'm. Achha, jab class dege abhi. Mera dhyan rakhna, mera health achha rahe. Please pray for me. I wanted to speak something on next week. How we can maintain our consistency. Main dekh raha hu, Prabhuji, thoda mere ko dekha hai. Thoda abhi main dekh raha hu. जो डिवोटीज बहुत बहुत स्टेडी थे कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर, और हमारे साथ एकदम रेगुलर आते थे, एक भी दिन मिस नहीं करते थे, वो डिवोटीज अभी थोड़े डचू मचू हो रहे हैं. उनका कसूर नहीं है, दे आर वंडरफुल डिवोटीज, टेक माई वर्ड्स. दे रियली वॉन्टेड टू मेंटेन दैट सेम कंसिस्टेंसी, बट समथिंग इज कमिंग इन देयर लाइफ एंड दे आर नॉट एबल टू डू इट. उनके लिए क्या करना चाहिए उनको? और कोई ऐसे डिवोटीज है जो अभी एकदम सीरियस है, लेकिन वो उनकी सीरियसनेस हमेशा के लिए रहे, उसके लिए क्या करना चाहिए? और कोई ऐसे डिवोटीज है जो अभी सीरियस है, लेकिन उनका अभी थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम चालू हुआ है, और वो दोनों को देख रहे हैं, एक जो पहले सीरियस थे लेकिन अभी डचू मचू है, और जो अभी सीरियसनेस चलाते रहे हैं लेकिन उसका प्रॉब्लम बीच में आ रहा है कि मेरा कुछ गड़बड़ हो रहा है, उसको क्या करना चाहिए? On whatever I have learned from Radharani Swami, I'll try to share with all of you so that we can become more and more focused and more committed. And I can, we wanted to see it very clearly, Prabhu. Ye Harinam ko jindgi ke antim shran tak chhodna nahi hai. Ye bhakto ko antim shran tak chhodna nahi hai.
ये ब्रह्म मुहूर्त में सब साथ में बैठ करके एक ही आसन में एक ही सिटिंग के अंदर जपा करना है, ये हमारा मकसद है। लेकिन माया, जितना तुम सीरियस जितना खाओगे उतना माया तुम्हारे साथ उतनी सीरियस हो जाएगी, और वो तुमको हर एक चीज के अंदर तुमको संघर्ष कराएगी, हर एक चीज के अंदर तुम्हारे साथ में फाइट देगी। और वो जब फाइट देगी तब उस समय जो है तुमको किस तरह से जीना है, आपको है ऐसा कोई प्रॉब्लम, आपको मुझे लगता है कि नहीं है भाई, नहीं तो नहीं होता तो मैं नहीं बोलूंगा। विल ट्राई टू डिस्कस समथिंग एल्स, विल डिस्कस अबाउट दैट नेक्स्ट संडे, वॉट एवर आई हैव लर्न फ्रॉम राधानाथ स्वामी, बिकॉज वी वॉन्टेड टू मेंटेन कंसिस्टेंसी फॉर अवर लास्ट ब्रेथ ऑफ अवर लाइफ, जिंदगी के अंतिम क्षण तक। जब इतना ऊंचा चीज मिल गया तो उसको थोड़ी छोड़ेंगे यार। व्यक्ति जो है हमारे बिजनेस के अंदर बोलते हैं, जब एक ही बिजनेस का 1 रुपये का 100 रुपया मिलता है तो वो बिजनेस वेंचर कभी छोड़ेंगे क्या? उसी हिसाब से होता है प्रभु जी, इतना ऊंचा चीज हमारे लाइफ में हमको मिल गया है, कुछ भी करेंगे लेकिन उसमें प्रैक्टिकल होने का है। आई टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, वेरी यंग बॉयज एंड यंग गर्ल्स आर सो एंथुजियास्टिक, वेरी नाइस टू सी देयर एंथुजियाज्म, लेकिन मेरे को हमेशा डर भी लगता है उसके लिए। डर ये लगता है कि ये लोग, लड़का और लड़की लोग, इतना एंथुजियाज्म है लेकिन उनके आगे चल करके उनकी लाइफ के अंदर बहुत अप्स एंड डाउन आने वाला है, बहुत अप्स एंड डाउन। भाई इतना जल्दी कुछ फट करके कुछ मिलने वाला नहीं है भाई, माता जी रहेंगे तो उसकी शादी होगी, यंग लड़की है, मेरे को उसको देख करके टेंशन आता है, उसकी शादी होने वाली है, शादी में क्या ऐसा बोलेंगे मैं सुबह जपा करने बैठूंगी, उसको निकाल देंगे घर से, किधर जाएगी? वो स्थिति के अंदर भी कहते हैं उसको भक्ति भी करनी है और उसका फैमिली को भी सेटिस्फेक्शन देना है, इंपॉर्टेंट है कि नहीं? वो लड़का बोलेगा, लड़का बोलेगा मेरे को तो जपा ही करना है, अरे ऐसा थोड़ी चलता है, उसको बाहर काम करना पड़ेगा, जॉब करना पड़ेगा, रुपया कमाना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, बाहर की दुनिया में जाना पड़ेगा, इतना एलोरमेंट, इतना टेम्पटेशन, ये सब चीज उसके सामने फाइट मार करके भक्ति करने का है, और उसको बोलेगा मैं ऐसा ही जीऊंगा, ऐसा ही जीऊंगा, ऐसा ही जीने का है, नहीं चलेगा बाबा। थोड़ी चीज हम बराबर पकड़ करके रखेंगे लेकिन थोड़ी चीज में फ्लेक्सिबल नहीं रहोगे तो जो है प्रभु आगे चल करके आपकी लाइफ के अंदर बहुत तकलीफ बढ़ जाएगी। सो इफ यू फील इट प्रॉपर देन वील डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो, सो दैट वी बिकम मोर मैच्योर इनफ। भक्ति भी करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए करेंगे, उसमें संघर्ष भी करेंगे लेकिन संघर्ष करने के साथ में उसके लिए संघर्ष करेंगे कि कृष्णा तुमको प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, लेकिन अंदर से तो सिर्फ आप ही को ही चाहिए, आपको ही मन को प्रसन्न करना है, आपको प्रसन्न करने के लिए एडजस्टमेंट कर रहा हूं, मेरे को इंटेंशन उसको एंजॉय करने के लिए नहीं है। ये कॉन्शियसनेस होती है तो कृष्णा विल बिकम मोर एंड मोर हैप्पी, एंड देन वी कैन धीरे धीरे मैच्योरिटी भी आ जाएगी और वो सब चीज भी ठिकाने आ जाएगी, और एवरीथिंग विल बिकम सो फोकस एंड सो फिक्स्ड अप आफ्टर फुलफिलिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर तुम बोलेगा ना मेरे को इतना साधना बढ़ाने का है, इतना करने का है, देन यू हैव अ फुल लाइसेंस टू डू इट बिकॉज यू हैव पेड द प्राइस फॉर दैट। बहुत में आ रहा है कि नहीं है भाई? मेरे को, मैं कुछ हवा में बोलते जा रहा हूँ क्या? जो समझ में नहीं आया मेरे को क्या क्या बोलते जा रहा हूँ आज। 1 महीने के बाद में बोल रहा हूँ ना, इसलिए ज्यादा ही बोल दिया। I've spoken more than what I'm supposed to speak. विपुल अभी मिला एंडेड ना? विपुल किधर है? हाँ यस प्रभु, शुड बी एंडेड। हाँ ठीक है, अभी एंड कर लेना। यस प्रभु जी, थैंक यू वंच कल्प तरुवेश्या कृपा सिंधु वैवचा पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद, श्री राधानाथ स्वामी महाराज की जय। हरि बोल, हरे कृष्ण। विल एंड इट।